हेलो एवरीवन वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स री ऑफ द स्ट्रांगेस्ट वर्ल्ड गॉड चैप्टर एक हजार टू एक शांत नीलामी हॉल में गूंजते हुए एक हजार क्रिस्टल शब्द अचानक हंगामा कर गए यह कौन है जो इतना अमीर है आप उस कीमत पर कई एपिक आइटम खरीद सकते हैं यह पागल है एक लाख क्रिस्टल यह पहले से ही हमारे गेड़ के भंडार से दोगुना है मैजिक नाइट लिगेसी की कीमत से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया इस बीच थाउजेंड माइल्स जिसने बोली लगाई थी ने हिडन सोल के कमरे पर चिंता भरी नजर डाली अब जबकि मैंने इसे बीस हजार बढ़ा दिया है मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेंगे प्रारंभ में थाउजेंड माइल्स को केवल नब्बे हजार मैजिक क्रिस्टल के लिए लिगेसी मिलने की उम्मीद थी बाद में फाइनल आइटम के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसके पास अभी भी अच्छी मात्रा में क्रिस्टल होंगे हालांकि अब उनकी योजनाएं विफल हो गई लिगेसी की अपनी खरीद की गारंटी देने के लिए उसके पास किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धियों को डराने के लिए बीस हजार क्रिस्टल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था हालांकि एक पल की चुप्पी के बाद हिडन सोल ने एक बार फिर एक नई बोली लगाई एक लाख तीस हजार क्रिस्टल इस बोली को बुलाते समय उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई निश्चय ही सात पापों का फूल वास्तव में धनवान है अपने पास बैठी शांत महिला को देखकर अथर्व चकित रह गया सुपर गिड्स के विपरीत फ्लावर ऑफ सेवन सिंस में अनगिनत खिलाड़ी नहीं थे जो उनके लिए मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा कर रहे थे जब मैजिक क्रिस्टल इकट्ठा करने की गति की बात आती है तो संगठन का सुपर गिल्ड के लिए कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए फिर भी हिडन सोल अभी भी आसानी से एक सौ मैजिक क्रिस्टल निकालने में कामयाब रहा कोई बता सकता है कि हथियारों का संगठन कितना ताकतवर था एक क्रिस्टल हजार मील गर्जना की यह कीमत पहले से ही उसकी स्वीकार्य सीमा के करीब थी एक सौ चालीस हज़ार क्रिस्टल हिडन सोल बस मुस्कुराई क्योंकि उसने और भी ऊंची बोली लगाई इस कीमत ने पहले ही नीलामी हॉल में अन्य सभी को लिगेसी शीड के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोक दिया था तेरी की कौन मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है थाउजेंड माइल्स अभी गुस्से से जल रहा था मैजिक नाइट क्लास एक छिपी हुई क्लास थी जो उसके लिए पूरी तरह से अनुकूल थी फिर भी विरोधियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनके पास अभी भी बहुत पैसा बचा हुआ था दूसरा पक्ष भी मैजिक नाइट लिगेसी को प्राप्त करने में अड़िग लग रहा था चाहे कुछ भी हो चूंकि तुम मेरे खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह की क्षमता है एक लाख साठ हज़ार क्रिस्टल जैसे ही उसने यह बोली लगाई यहां तक कि दूसरी मंजिल के कमरों में रहने वाले खिलाड़ी भी अचंभित रह गए यहां तक कि सुपर गिल्ड्स को इतने सारे जादुई क्रिस्टल जमा करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी फिर भी अब ये सारे संसाधन सिर्फ एक उन्नत विरासत पर खर्च किए जा रहे थे ऐसा करने के बजाय अपने लिए एपिक इक्विपमेंट का पूरा सेट प्राप्त करना कहीं बेहतर होगा इस तरह के सेट से निश्चित रूप से मैजिक नाइट क्लास की तुलना में बहुत अधिक सुधार हो सकता है केवल जब नीलामकर्ता ने पहली बार अपनी हथौड़ी पटक दी तो हर कोई अपनी चकाचौंध से जागा जैसा कि डार्क ऑक्शन से उम्मीद थी किडन सोल असहार रूप से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जैसे ही वह थाउजेंड माइल्स के कमरे को देखने के लिए मुड़ी हालांकि यह भी एक अच्छा परिणाम है कम से कम मेरे पास बाद में एक प्रतियोगी कम होगा अब जबकि लिगेसी शील्ड की कीमत पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुकी थी वह भी अब इसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी कारण मैजिक क्रिस्टल की कमी नहीं थी वह इस बार दो वस्तुओं के लिए यहां आई थी जिनमें से एक मैजिक नाइट लिगेसी थी जिसके बारे में सात पापों के फूल को गुप्त रूप से पता चला था हालांकि अन्य आइटम की उच्च प्राथमिकता थी यदि उसने मैजिक नाइट लिगेसी अभी खरीदी तो वह निश्चित रूप से अन्य वस्तु प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगी जब दूसरी बार नीलामकर्ता का गैवेल उतरा तब भी पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा पसरा था यह स्थिति देखकर थाउजेंड माइल्स ने अनायास ही राहत की सांस ली उन्हें इस नीलामी के लिए गिल्ड द्वारा तैयार किए गए मैजिक क्रिस्टल्स में से केवल एक सौ चालीस शून्य 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 का उपयोग करने की अनुमति थी उसने अतिरिक्त राशि को कवर करने के लिए अपने स्वयं के भंडार को साफ कर दिया था और एलिस से बहुत कुछ उधार भी लिया था अगर किसी ने अब ऊंची बोली लगाई तो उसके पास विरासत को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा सौभाग्य से हालांकि वह अंतः एक सौ साठ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल खर्च करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो गया एक सौ पैंसठ हजार जैसे ही नीलामकर्ता का गैवेल तीसरी बार उतरने वाला था एक नई बोली फिर से बस उठी तुरंत हर कोई हिडन सोल के कमरे को देखने लगा धत तेरी की क्या उसने पहले ही हार नहीं मान ली थाउजेंड माइल्स की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी इस बीच हिडन सोल के कमरे के अंदर फॉलन वाइंड और ऑटम बूज अथर्व को भौचक के भाव से देख रहे थे उसके पास इतने जादुई क्रिस्टल क्यों हैं एक व्याकुल छिपी हुई आत्मा भी शांत तलवारबाज को घूर रही थी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह स्थिति सच है यदि किसी महाशक्ति ने मैजिक नाइट लिगेसी के लिए इतने मैजिक क्रिस्टल की पेशकश की होती तो वह अधिक से अधिक, अधिक अपने नुकसान पर थोड़ा निराश महसूस करती हालांकि अथर्व किसी महाशक्ति से संबंधित नहीं था फिर भी वह इतने जादुई क्रिस्टल के साथ आने में कामयाब रहा इसलिए उसे अत्यधिक झटका लगा आखिरकार पहले दर्जे के गिल्ड के मैजिक क्रिस्टल का भंडार इस कीमत का आधा भी नहीं था इस बीच ऑटम गुज और फॉलन वाइंड को इसी तरह झटका लगा जीरो विंग बहुत अमीर था जैसा कि सभी ने सोचा था कि मैजिक नाइट लिगेसी की कीमत बढ़ती रहेगी उम्मीदों के विपरीत थाउजेंड माइल्स खामोश हो गए हालांकि कीमत में केवल पांच हजार अतिरिक्त मैजिक क्रिस्टल की वृद्धि हुई थी यह एक ऐसी राशि थी जिसके साथ वह अभी कोई बात नहीं कर सकता था जब तक कि वह गिल्ड के तैयार मैजिक क्रिस्टल का उपयोग नहीं करता हालांकि यह स्पष्ट रूप से एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था इसलिए उनके पास नीलामकर्ता को बार बार अपनी हथकड़ी मारते देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था मैजिक नाइट लिगेसी प्राप्त करने के लिए रूम शून्य एक साथ में अतिथि को बधाई दें इस समय नीलामकर्ता रोमांचित था यह केवल पहली नीलामी वस्तु थी फिर भी यह इतनी अच्छी कीमत पर पहले ही बिक चुकी थी बाकी की नीलामी निस्संदेह और भी जीवंत होगी इस बीच अथर्व ने भी दांत पीसकर नीलामी घर को एक सौ पैंसठ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल का भुगतान किया यदि समय के टॉवर में सात चमकदार क्रिस्टल के लिए नहीं तो वह जादू नाइट विरासत के लिए एक सौ पैंसठ शून्य 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 जादू क्रिस्टल खर्च नहीं करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसके बाद एक के बाद एक नीलामी के सामान बिकते रहे हालांकि बाद की वस्तुओं में से शायद ही कोई दूसरी मंजिल के कमरों में खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रही जिन लोगों ने इन मदों के लिए चुनाव लड़ा उनमें मुख्य रूप से पहली मंजिल के हॉल के खिलाड़ी थे इन वस्तुओं की कीमतें स्वाभाविक रूप से मैजिक नाइट लिगेसी के लिए कोई मुकाबला नहीं थीं हालांकि वे अभी भी कम से कम 200 गोल्ड के लिए बिके एक और छिपा हुआ वर्ग भी था हालांकि यह केवल एक मूल विरासत थी आखिरकार प्रथम श्रेणी के गिड सिल्वर नाइट्स ने इसे अठारह हजार मैजिक क्रिस्टल के लिए खरीदा इसके अलावा एक पूरा लेवल चालीस डार्क गोल्ड सेट इक्विपमेंट भी नीलामी के लिए गया गॉड्स डोमेन की विभिन्न महाशक्तियों ने लेवल चालीस सेट इक्विपमेंट को वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम उपकरणों में से एक माना जब सेट उपकरण दिखाई दिया तो उसने तुरंत नीलामी हॉल में एक और बोली प्रक्रिया युद्ध शुरू कर दिया आखिरकार नाइन ड्रैगन्स एम्पर ने चार हजार चार सौ पचास गोल्ड में आठ पीस वाइल्ड क्लॉथ सेट इक्विपमेंट खरीदा इस कीमत पर कोई भी एपिक आइटम पहले ही खरीद सकता है जैसे जैसे नीलामी आगे बढ़ी दिन की अंतिम वस्तुओं को अंत नीलामी हॉल में ले जाया गया कुल मिलाकर चार फाइनल आइटम थे उनमें से हर एक अथर्व के लिए एक बड़ा प्रलोभन था एक एक प्राचीन पुस्तक थी एक एक महाकाव्य हथियार थी एक एक महाकाव्य उपकरण थी और आखिरी एक गुप्त तकनीक की गोली थी जब अथर्व ने नीलामी के सामानों की सूची देखी तो वह डर के मारे उछल पड़ा वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सका कि डार्क ऑक्शन हाउस वास्तव में शक्तिशाली था इनमें से प्रत्येक वस्तु का सामना केवल भाग्य से ही हो सकता है महाकाव्य उपकरण की तुलना में महाकाव्य हथियार बहुत अधिक मूल्यवान थे आखिरकार हथियार ऐसी चीजें थीं जो खिलाड़ी के नुकसान के आउटपुट में काफी सुधार कर सकती थीं इस बीच महाकाव्य उपकरण महाकाव्य हथियारों से भी दुर्लभ थे इसके अलावा वे खिलाड़ी के उपकरण स्लॉट पर कब्जा नहीं करेंगे यहां तक कि औसत गुणों का एक महाकाव्य उपकरण भी एक महाकाव्य हथियार की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होगा फिनाले के सभी चार आइटम केवल ऐसी चीजें थीं जिन्हें आमतौर पर खरीदा नहीं जा सकता था भले ही किसी के पास ऐसा करने के लिए पैसा हो यह गुप्त तकनीक टैबलेट के लिए विशेष रूप से सच था सभी विभिन्न महाशक्तियों द्वारा इसकी अत्यधिक मांग की गई थी जब तक एक गिड के पास एक गुप्त तकनीक की गोली थी तब तक वे अपने विशेषज्ञों को बेहतर और अधिक शक्तिशाली मुकाबला तकनीक सीखने की अनुमति दे सकेंगे हालांकि अथर्व अपने गिल्ड सदस्यों को गुप्त तकनीक टैबलेट में प्रवेश करना चाहता था दुर्भाग्य से इंटरमीडिएट मैजिक एरे का उत्पादन करने के तरीके को समझना बहुत मुश्किल था फ़िलहाल उनके अलावा सिर्फ दो और लोग ही ऐसा करने में कामयाब रहे थे उनमें से एक वायलेट क्लाउड था और दूसरा एल्यूरिंग समर था सीक्रेट टेक्निक टैबलेट का उपयोग करने के लिए केवल तीन लोगों को भेजना एक जबरदस्त बर्बादी होगी इसलिए अथर्व ने इतने समय तक इसका इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई यदि मेजबान के लिए डार्क नीलामी की प्रसिद्धि बढ़ाने की कोशिश नहीं होती तो वे निश्चित रूप से इतनी कीमती वस्तु नहीं बेचते देवियों और सज्जनों बोलियों के लिए अगला आइटम आज की नीलामी का पहला अंतिम आइटम होगा आगे की हलचल के बिना मैं आपको एक हाथ वाली तलवार नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस भेंट करता हूं ऐसा कहकर नीलामकर्ता ने नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस की जानकारी सार्वजनिक कर दी हथियार के गुणों को देखकर सभी की आंखें चमक उठीन उनके मुंह से लगभग लार टपक रही थी अथर्व शस्त्र का परिचय पढ़कर और भी हैरान हो गया सुलेमान का टुकड़ा मेजबान बहुत उदार है वे वास्तव में एक प्रसिद्ध तलवार भी बेचने को तैयार हैं इस हथियार के गुण सामान्य महाकाव्य हथियारों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं यह निश्चित रूप से सबसे आश्चर्यजनक एक हाथ वाली तलवार है जिसे मैंने देखा है जब उन्होंने नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस के गुणों को देखा तो हर कोई हाँफ उठा खिलाड़ी जो एक हाथ वाली तलवार का इस्तेमाल करते थे वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन चाहते थे कि वे हथियार को पकड़ सकें और इसे तुरंत कुछ स्विंग दे सकें वे वास्तव में इस समय सब बाहर जा रहे हैं गॉड्स डोमेन में केवल छत्तीस प्रसिद्ध तलवारें हैं वे सभी अद्वितीय महाकाव्य हथियार हैं उनमें से प्रत्येक एक, एक ऐसा हथियार है जिसे अनगिनत तलवारबाज विशेषज्ञ प्राप्त करने का सपना देखते हैं युवान टाइक्सिन जो दूसरी मंजिल के कमरे में बैठा था जब उसने नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस को देखा तो वह थोड़ा चकित हुआ व्यावहारिक रूप से दूसरी मंजिल के कमरों में सभी भगवान के डोमेन के महाशक्तियों में से एक से आए थे उनके लिए महाकाव्य हथियार वास्तव में दुर्लभ थे लेकिन पूरी तरह से उनकी पहुंच से बाहर नहीं थे अपना एक प्राप्त करना केवल समय की बात थी हालांकि प्रसिद्ध तलवारें एक अलग कहानी थीं ये तलवार चलाने वाले विशेषज्ञों द्वारा पसंद किए गए हथियार थे यदि ठीक से उपयोग किया जाता है तो कोई उन तलवार कट्टरपंथियों को आकर्षित कर सकता है जिन्हें भर्ती करना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है भगवान के डोमेन विशेषज्ञों की सूची में आठ स्वॉर्ड मिस्टर्स में से तीन स्वतंत्र खिलाड़ी थे यदि गुप्त मंडप ने एक प्रसिद्ध तलवार को चारा के रूप में इस्तेमाल किया तो उनमें से एक को भर्ती करना वास्तव में संभव हो सकता है निदरवर्ड दीप्ति एक हाथ वाली तलवार एपिक रैंक स्तर चालीस स्तर एक सौ दस स्तर चालीस उपकरण की आवश्यकता शक्ति सात सौ चपलता चार सौ अटैक पावर प्लस एक तीन सौ चालीस शक्ति प्लस एक सौ एक चपलता प्लस बेहत्तर धीरज प्लस साठ हमले की गति प्लस पन्द्रह हमला करते समय भारी दुर्घटना को ट्रिगर करने का 20 परसेंट मौका 30 परसेंट की ताकत और 20 परसेंट से हमले की गति बढ़ाना ब्लर को ट्रिगर करने का 20 परसेंट मौका जिससे हमले को पैरीड या ब्लॉक किया जाना असंभव हो जाता है डबल क्रिटिकल ट्रिगर करने का तीस मौका सुसज्जित होने पर शक्ति में दस की वृद्धि हुई चपलता में पांच की वृद्धि हुई तलवार से संबंधित सभी कौशल प्लस तीन स्तर स्तरों पर ध्यान न दें प्लस पंद्रह सभी तलवार संबंधी कौशल पूर्णता दरों में दो परसेंट की वृद्धि हुई अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल एक डेथ डिवोर कोई भी प्राणी जो दो सौ गज के भीतर मर जाता है वह वाइल्डर को डेथ डिवोर बफ प्रदान करेगा जिससे वाइल्डर की हमले की गति एक परसेंट बढ़ जाएगी और तलवार से संबंधित सभी कौशल पूर्णता दर तीस सेकंड के लिए शून्य दशमलव एक परसेंट बढ़ जाएगी बफ को तीस गुना तक ढेर किया जा सकता है अतिरिक्त निष्क्रिय कौशल दो डेथ फैंटम एचपी के घटने के साथ ही वाइल्डर की काया में सुधार होता है काया में अधिकतम 20 परसेंट तक सुधार हो सकता है रहस्यमय तलवार के टुकड़े का उपयोग करके फेमर स्मिथ जैक्स द्वारा बनाई गई मौत की तलवार नेदरवर्ड ब्रिलियंस भगवान के डोमेन के छत्तीस प्रसिद्ध तलवारों में से एक है जो तीसवें स्थान पर है जो कोई भी इस तलवार को धारण करेगा वह मृत्यु के प्रभामंडल में आच्छादित हो जाएगा अपने सभी गुणों को 20 परसेंट तक कम कर देगा और मृत्युदंड को दोगुना कर देगा विकसित किया जा सकता है नष्ट नहीं किया जा सकता हालांकि जब सभी ने आखिरकार हथियार के परिचय को पढ़ लिया तो उन सभी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी नेदरवर्ड ब्रिलियंस वास्तव में एक अद्भुत हथियार था तलवार से संबंधित कौशल पूर्णता दरों में वृद्धि के लिए यह विशेष रूप से सच था हालांकि यह केवल दो परसेंट ही था अट्ठासी परसेंट पूर्णता दर को नब्बे परसेंट तक बढ़ाने से कौशल को गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना होगा दुर्भाग्य से न केवल हथियार ने अपने क्षेत्र रक्षक के मूल गुणों को 20 परसेंट तक कम कर दिया बल्कि यह मृत्युदंड को भी दोगुना कर दिया जो कि ज्यादातर लोग बचना चाहते थे भगवान के डोमेन में लेवल अप करना बेहद मुश्किल था हालांकि नेदरवल्ड ब्रिलियंस किसी की युद्ध शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वे मरेंगे नहीं यदि कोई मूल रूप से एक स्तर खो देता है जब वे खेतों में मर जाते हैं तो वे दो स्तर खो देंगे यदि वे नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस का संचालन कर रहे थे इसके अलावा व्यावहारिक रूप से उपस्थित सभी लोगों ने बड़े पैमाने पर तीन दंग पर अक्सर छापा मारा ऐसे काल कोठरी में मरना आम बात थी आमतौर पर जब वे काल कोठरी में मरते हैं तो वे अपने ही एक स्पीका केवल दस परसेंट खो देते हैं यदि यह जुर्माना दोगुना होकर बीस परसेंट हो जाता है बस यही सोचकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए इस समय नीलामी के लिए प्रसिद्ध तलवार लगाने में नीलामी मेजबान की उदारता को आखिरकार हर कोई समझ गया सबसे अधिक संभावना है मेजबान गिर्ड में कोई भी हथियार के पास कहीं भी नहीं रहना चाहता था इसलिए इसे एक गोदाम में बैठने और धूल इकट्ठा करने के बजाय गिर्ड ने इसे संसाधनों के बदले बदलने का विकल्प चुना दर्शकों की रुचि में कमी को देखते हुए नीलाम करता हंसा और बोला अब जबकि सभी ने हथियार देख लिया है मेरा मानना है कि आप सभी नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस की खामियों को जानते हैं हालांकि दिन के अंत में यह अभी भी एक महाकाव्य हथियार है इसके अलावा इस हथियार को विकसित किया जा सकता है यदि आप विकास के तरीके की खोज करने में कामयाब होते हैं तो यह तलवार भविष्य में एक ईश्वरीय हथियार बन सकती है यह एक खंडित पौराणिक हथियार भी बन सकता है इस हथियार की शुरुआती कीमत आठ हजार गोल्ड है प्रत्येक वृद्धि दो सौ स्वर्ण से कम नहीं होनी चाहिए हथियार की शुरुआती कीमत सुनकर सभी ने नीलामी घर को धोखेबाज होने के लिए अंदर ही अंदर शाप दिया यदि प्रसिद्ध तलवार की खामियों के लिए नहीं तो आठ हजार स्वर्ण का उल्लेख नहीं करना यहां तक कि इसे प्राप्त करने के लिए अठारह हजार स्वर्ण खर्च करना भी कोई समस्या नहीं होगी आखिरकार यह एक महाकाव्य हथियार था जिसे एक सौ दस के स्तर तक सभी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था इसके अलावा इसे विकसित करने की संभावना भी थी तो ठीक है मैं इसे एक संग्रह वस्तु के रूप में प्राप्त करूंगा मैंने आठ सोने की बोली लगाई अगर मैं इसे अपने गेड में प्रदर्शित करता हूं तो मैं काफ़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर सकता हूं मैं 8,200 स्वर्ण की बोली लगाऊंगा 8,400 सोना नीलामी हॉल में दर्शक नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस के लिए बोली लगाने में विशेष रूप से सक्रिय नहीं थे लगभग एक दर्जन बोलियों के बाद कीमत अंतः ग्यारह सोने पर बंद हो गई मंच पर प्रदर्शित हथियार को देखते ही अथर्व का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा दूसरों के लिए यह हथियार वास्तव में बहुत कम मूल्य का होगा हालांकि उसके लिए यह एक अनमोल खजाना था सुलेमान की तलवार के पांच टुकड़े हो गए थे इनमें से तीन ऐसी जगहों पर थे जहां मौजूदा खिलाड़ी नहीं पहुंच सकते थे इस बीच शेष दो में से अथर्व ने उनमें से एक को पहले ही प्राप्त कर लिया था पवित्र तलवार की लिंगरे आखिरी टुकड़ा कोई और नहीं बल्कि यह नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस था मूल रूप से अथर्व ने नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस प्राप्त करने के तरीके के बारे में सोचने की योजना बनाई थी हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि डार्क एरिना के मेज़बान ने वास्तव में इसे पहले ही प्राप्त कर लिया था इसके अलावा उन्होंने इसे नीलामी के लिए भी रखा यह उन दस महान पौराणिक हथियारों में से एक था जिनके बारे में वे बात कर रहे थे जब तक वह सभी पांच टुकड़ों को इकट्ठा कर सकता था तब तक वह अतीत की भगवान तलवार को एक बार फिर से पुनः उत्पन्न कर सकता था यह सोचकर ही अथर्व उत्तेजित हो गया बारह हजार सोना अथर्व ने कीमत थोड़ी बढ़ा दी जाहिर है किसी को भी नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस में दिलचस्पी नहीं थी हालांकि जैसा कि यह एक प्रसिद्ध तलवार थी और इसमें विकसित होने की क्षमता भी थी फिर भी कुछ लोग थे जो उस संभावना पर दाव लगाने को तैयार थे इसलिए वह कीमत में बहुत अधिक वृद्धि नहीं करेगा अगर उसने अचानक इसे बहुत ऊंचा कर दिया तो लोगों को बेशक शक हो जाएगा इस प्रकार अपनी बोली की घोषणा करते समय वह बहुत अधिक या बहुत कम की पेशकश नहीं कर सकता था क्या अमीर लोग मैं इसे अब और नहीं चाहता अद्भुत कोई वास्तव में किस्मत पर बारह हज़ार सोने का दाव लगा रहा है जैसे ही अन्य बोली लगाने वाले एक के बाद एक हार मान रहे थे अचानक पूरे हॉल में एक आवाज़ गूंज उठी तेरह हज़ार सोना इस बीच जिस व्यक्ति ने यह बोली लगाई थी वह कोई और नहीं बल्कि थाउजेंड माइल्स था तुमने मेरी विरासत चुरा ली क्या आपको लगता है कि मैं आपको वह हथियार इतनी आसानी से लेने दूंगा अथर्व के कब्जे वाले कमरे को देखकर थाउजेंड माइल्स ने उपहास किया हालांकि थाउजेंड माइल्स को यह नहीं पता था कि कमरे पर कौन कब्जा कर रहा है वह आसानी से बता सकता था कि किस कमरे ने बारह शून्य 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 सोने की बोली लगाई थी नेदरवर्ल्ड ब्रिलियंस में अथर्व की रुचि को देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसे आराम करने की अनुमति नहीं दे सकता था उस कमरे का व्यक्ति वास्तव में तामसिक है ऑटम गूझ गुर्राया क्योंकि उसने थाउजेंड माइल्स के कमरे को देखा भाई ये अथर्व अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो बस शब्द कहो मेरे पास जितने पैसे हैं मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं फॉलन वाइंड को भी थाउजेंड माइल्स के व्यवहार पर गुस्सा आ गया धन्यवाद अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे जरूर उधार लूंगा अथर्व ने कहा इसके बाद उन्होंने नई बोली लगाई बीस हज़ार सोना यह पागलपन है भले ही वह व्यक्ति क्रोधित हो इतना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना अमीर वास्तव में जानबूझ कर है नई बोली अथर्व ने सबको मधोश कर दिया उपस्थित हर कोई उच्च स्थिति और स्थिति का था हालांकि उनमें से कोई भी अपने पैसे को अथर्व की तरह हल्के में नहीं लेगा और अतिरिक्त सात हज़ार सोने की बोली बढ़ाकर केवल कुछ भाप छोड़ने के लिए कहा उस तरह के पैसे से कोई दूसरा महाकाव्य हथियार पहले से ही खरीद सकता था बहुत खूब कितना अमीर तो ठीक है मैं तुम्हें यह करने दूंगा थाउजेंड माइल्स इस स्थिति पर हंसे हालांकि उन्होंने अब बोली जारी रखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह उनके लिए एक जाल हो सकता है वह अथर्व से अतिरिक्त आठ हज़ार स्वर्ण बर्बाद करवाकर पहले से ही संतुष्ट था जिसके बाद नीलामकर्ता ने तीन बार अपना गैबेल खटखटाया आइए हम अतिथि को रूम शून्य एक साथ से फेमस वार्ड नेदरवर्ड ब्रिलियंस प्राप्त करने के लिए बधाई दें इस समय नीलामकर्ता पहले से ही खुशी में जोर से हंसने के करीब था मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि बारह हज़ार स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध तलवार को बेचना पहले से ही काफी अच्छा था अब उसने वास्तव में इसे बीस हज़ार सोने के लिए बेच दिया था दूसरी ओर जब अथर्व ने बीस हजार स्वर्ण का भुगतान किया और नेदरवर्ड ब्रिलियंस प्राप्त किया तो वह भी खुशी से उछल पड़ा वह इस बात की कम परवाह नहीं कर सकता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं उसने सोलोमन की तलवार के पांच टुकड़ों में से एक दस महान पौराणिक हथियारों में से एक को खरीदने के लिए अभी बीस हजार सोना खर्च किया था यह अकल्पनीय रूप से कम कीमत थी यदि डार्क एरिना के मेजबान को पता था कि उन्होंने अभी क्या किया है तो वे निश्चित रूप से सदमे से बेहोश हो जाएंगे अतीत में पौराणिक वस्तुओं के प्रत्येक टुकड़े को नीलामी के लिए रखा गया था भले ही वे प्रयोग करने योग्य हों या नहीं कम से कम पचास हज़ार सोने के लिए आसानी से बेचा गया था दस महान महान हथियारों में से एक के टुकड़े का उल्लेख नहीं किया गया था बाद में जिस एपिक टूल की नीलामी की गई वह मोटे तौर पर नेदर वर्ल्ड ब्रिलियंस के समान ही था क्योंकि यह कुछ हद तक बेकार था हालांकि इसका उपयोग अभी भी मैजिक वाइन बनाने के लिए किया जा सकता है जो खपत होने पर स्टोन फॉरेस्ट टाउन में उच्च घनत वाले माना वातावरण के समान प्रभाव प्रदान करता है हालांकि शराब बनाने के लिए दुर्लभ सामग्री की आवश्यकता होती है नतीजतन इसका उत्पादन कम होना तय था जो कि केवल अपने स्वयं के गिल्ड के सदस्यों के लिए पर्याप्त था हालांकि गिड्स के लिए जिनके पास मैजिक टावर नहीं था मैजिक वाइन निस्संदेह उनके गिल्ड सदस्यों की ताकत में सुधार करने का एक शानदार तरीका था अंत में फीनिक्स रेन ने चौदह हजार मैजिक क्रिस्टल के लिए टूल खरीदा प्राचीन पुस्तक के रूप में अथर्व ने इसे खरीदने के लिए सत्तर हजार मैजिक क्रिस्टल खर्च किए देवियों और सज्जनों मेरा मानना है कि आप में से बहुत से लोग आज इस अंतिम वस्तु के लिए यहां आए हैं मैं आपको परिचय देने के लिए शब्द बर्बाद नहीं करूंगा सीक्रेट टेक्निक टैबलेट के लिए शुरुआती बोली दो सौ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल होगी प्रत्येक वेतन वृद्धि कम से कम दो हजार मैजिक क्रिस्टल होनी चाहिए हमें शुरू करने दें एक पत्थर की गोली के लिए दो लाख मैजिक क्रिस्टल यह सुनते ही पहली मंजिल के हॉल में मौजूद खिलाड़ी भड़क गए दो लाख मैंने गलत नहीं सुना ठीक है यह पत्थर की गोली क्या है यह एक मज़ाक है मैंने ठीक कहा ना पहली मंजिल के हॉल में अधिकांश खिलाड़ी गुप्त तकनीक टैबलेट के बारे में उत्सुक थे अब तक की नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी वस्तु मैजिक नाइट लिगेसी थी फिर भी यह अभी भी सीक्रेट टेक्निक टैबलेट की न्यूनतम कीमत से कम में बेचा जाता है हर कोई यह पता नहीं लगा सका कि गोली किस प्रकार के ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करती है हालांकि दूसरी मंजिल के कमरों में रहने वाला कोई भी खिलाड़ी इस कीमत से बिल्कुल भी हैरान नहीं था सीक्रेट टेक्निक टैबलेट का मामला कुछ ऐसा था जिस पर विभिन्न महाशक्तियों ने इस समय एक कड़ा ढक्कन रखा हुआ था यहां तक कि इस रहस्य के बारे में जानने वाले पहले दर्जे के गिल्ड बहुत कम थे अन्य गिल्डों का उल्लेख नहीं करना जिसके बाद नीलामीकर्ता ने सभी के सामने सीक्रेट टेक्निक टैबलेट की उपस्थिति का खुलासा किया इस सीक्रेट टेक्निक टैबलेट का रंग कांस्य था और इसे सीक्रेट स्पेलकास्टिंग टेक्निक का नाम दिया गया था गुप्त वर्तनी तकनीक इस टैबलेट पर उकेरा गया पैटर्न बहुत अस्पष्ट और अधूरा है और कोई भी जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती है हालांकि इस पैटर्न के भीतर किसी प्रकार की दैवीय शक्ति छिपी होती है यदि कोई सभी पत्थर की गोलियों को इकट्ठा करता है तो यह अस्पष्ट और अधूरा पैटर्न बहाल किया जा सकता है टैबलेट की वर्तमान संख्या एक बटाबा रहा मुझे पता था कि मेजबान इतना उदार नहीं होगा निश्चित रूप से वे सिर्फ एक कांस्य टैबलेट बेच रहे हैं थाउजेंड माइल्स ने तिरस्कारपूर्वक कहा वर्तमान जानकारी के आधार पर सीक्रेट टेक्निक टैबलेट्स को तीन रैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है कांस्य रजत और स्वर्ण उनमें से कांसे की गोलियों पर गुप्त तकनीकें सबसे कमज़ोर थीं जबकि सोने की गोलियों पर गुप्त तकनीकें सबसे मज़बूत थीं तथ्य यह है कि वे एक को बेचने के लिए भी तैयार हैं यह पहले से ही एक चमत्कार है आखिरकार यह अभी भी एक सीक्रेट टेक्निक टैबलेट है हमारे गिल्ड के पास पहले से ही सीक्रेट स्पेलकास्टिंग तकनीक के लिए एक टैबलेट है अगर हम एक और टुकड़ा प्राप्त करते हैं तो हम स्पेलकास्टिंग तकनीक का एक और पूर्ण संस्करण सीख सकेंगे एलिस इस स्थिति में उत्साहित थी दिन के अंत में एक गुप्त तकनीक की गोली अभी भी एक गुप्त तकनीक की गोली थी टैबलेट के रैंक के बावजूद अंदर संग्रहित तकनीक जादुई वर्ग के खिलाड़ियों जैसे खुद के लिए बहुत मददगार होगी डबल स्पीड कास्टिंग तकनीक को समझने में सफल होने का एक कारण गुप्त स्पेल कास्टिंग तकनीक थी यदि वे गुप्त वर्तनी तकनीक के लिए दो गोलियां एकत्र कर सकते हैं तो वह अपनी तकनीक में सुधार करने में भी सक्षम हो सकती हैं इस बारे में सोचकर ही एलिस को उम्मीद से भर दिया मुझे लगता है आप सही हैं यदि उनके लिए डार्क ऑक्शन को लोकप्रिय बनाने की कोशिश नहीं की जाती तो वे वास्तव में ऐसी वस्तु की नीलामी करने के लिए तैयार नहीं होते थाउजेंड माइल्स हंसे परिस्थितियों के बावजूद वह गुप्त मंत्र निर्धारण तकनीक प्राप्त करने जा रहा था चाहे कुछ भी हो बड़ी बहन वर्षा देखो वह गुप्त वर्तनी तकनीक है हमारे गिल्ड के पास अभी इसके लिए टैबलेट भी नहीं है ब्लू फीनिक्स की आंखों में चमक आ गई जैसे ही उसने ब्रॉन्ज टैबलेट को देखा हालांकि ड्रैगन फिनिक्स मंडप ने कुछ गुप्त तकनीक की गोलियां प्राप्त की थीं वे सभी शारीरिक कक्षाओं के लिए थीं उनमें से कोई भी जादुई कक्षाओं के अनुकूल नहीं है फिर भी वह और फिनिक्स रेन अभी भी उनसे बहुत लाभ उठाने में सफल रहे थे यदि फिनिक्स रेन इस नीलामी में सीक्रेट स्पेलकास्टिंग तकनीक जीत सकती है तो दोनों अपने लड़ाकू मानकों में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो उनके पास थंडर द्वीप पर खेलने के लिए और कार्ड होंगे हमें इस बार टैबलेट प्राप्त करना है इस समय मंच पर टैबलेट को देखते हुए फीनिक्स रेन की आंखें भी जोश से जल उठी कांस्य की गोली पर्पल जेड मदद नहीं कर सकता था लेकिन आह भर रहा था मुझे पता था कि वे इतने उदार नहीं होंगे उसने पहले गुप्त तकनीक की गोलियों के चमत्कारों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था और वह कांस्य और चांदी की गोलियों के बीच के भारी अंतर से अवगत थी यहां तक कि अगर कोई कांस्य गोली में दो या तीन बार प्रवेश करता है तो फसल चांदी की गोली में एक ही यात्रा के बराबर नहीं होगी अफवाह यह थी कि ब्लैकविन सिटी में एक बार एक गोल्डन टैबलेट दिखाई दिया था हालांकि एक एनपीसी ने इसे चुरा लिया अफसोस की बात है यह वास्तव में जादुई कक्षाओं के लिए एक टैबलेट है जब युआन डाइक्सिन ने टैबलेट को देखा तो वह थोड़ा निराश हुआ कोई बात नहीं आइए पहले इसके लिए बोली लगाएं ब्रॉन्ज टैबलेट की शुरुआत के बावजूद पहली मंजिल के हॉल में खिलाड़ी अभी भी भ्रमित थे समझ नहीं पा रहे थे कि इस गुप्त वर्तनी तकनीक के बारे में इतना अच्छा क्या है नतीजा यह रहा कि उनकी दिलचस्पी कम रही यहां तक कि एक मूर्ख भी बता सकता है कि मेज़बान का सीक्रेट टेक्निक टैबलेट बेचने का कोई इरादा नहीं था अन्यथा वे उस पर इतनी ऊंची कीमत का टैग नहीं लगाते यहां तक कि एक सुपर गिड़ के लिए भी एक बार में इतने मैजिक क्रिस्टल निकालने के लिए मुश्किल होगी कहने की जरूरत नहीं है यह केवल शुरुआती कीमत थी जिस तरह पहली मंजिल पर खिलाड़ियों ने सोचा था कि टैबलेट बिना बिके रह जाएगा दूसरी मंजिल के एक कमरे से किसी ने अचानक बोली लगाई दो सौ दस हजार क्रिस्टल नौड्रेगन no सम्राट ने शांति से कहा यह पागल है वह आदमी कितना अमीर है अगर वह इसे खरीदना चाहता है तो बस करो क्या अतिरिक्त दस हजार क्रिस्टल की कीमत बढ़ाने की आवश्यकता है क्या उसके पास बर्बाद करने के लिए बहुत अधिक पैसा है जैसा कि एक महाशक्ति से उम्मीद की जाती है वे वास्तव में धनी हैं नौड्रेगन no सम्राट की बोली ने पहली मंजिल पर खिलाड़ियों को चौंका दिया मैजिक क्रिस्टल्स की यह राशि पहले से ही कुछ प्रथम श्रेणी के संघों की तुलना में तीन गुना अधिक थी इस बीच नौ नौड्रेगन सम्राट वास्तव में सिर्फ एक पत्थर की गोली के लिए इतने सारे मैजिक क्रिस्टल खर्च कर रहे थे यहां तक कि खंडित पौराणिक वस्तुओं की कीमत भी इतनी अधिक नहीं होगी हालांकि इससे पहले कि नीलामकर्ता पहली गिनती के लिए अपना गैबिल खटखटा पाता दूसरी मंजिल के कमरों के रहने वालों ने एक के बाद एक बोलियां बुलानी शुरू कर दी दो क्रिस्टल दो क्रिस्टल दो क्रिस्टल इस समय यह ऐसा था जैसे मैजिक क्रिस्टल तांबे के सिक्कों से अलग नहीं थे बिग सिस एंडलेस क्या ये गिल्ड पागल हो गए हैं क्या यह सिर्फ एक पत्थर की गोली नहीं है क्या इतने जादुई क्रिस्टल खर्च करने की जरूरत है बोली सुनते ही क्लाउड यान सदमे में आ गई अतीत में उसने आधी रात की चाय पार्टी को काफी समृद्ध माना था आखिरकार उन्होंने जो मैजिक क्रिस्टल जमा किए थे उनकी संख्या बीस हजार से अधिक थी यहां तक कि अगर वे हर दिन डिवाइन कोलोसियम में छींटाकशी करते हैं तो वे थोड़े समय के भीतर अपने भंडार को समाप्त नहीं कर पाएंगे हालांकि इस डार्क ऑक्शन में पहुंचने के बाद उसे अचानक लगा कि मिडनाइट की टी पार्टी वास्तव में भिखारी लग रही थी वे मूर्ख नहीं हैं यह कोई साधारण पत्थर की गोली नहीं है किंवदंती है कि ये पत्थर की पटियाएँ प्राचीन देवताओं द्वारा छोड़ी गई विरासत हैं यहां तक कि अगर आप केवल एक पूरा सेट प्राप्त करते हैं तो आपको भगवान के डोमेन में एक साम्राज्य स्थापित करने में कोई समस्या नहीं होगी एंडलेस स्केस ने मंच पर गुप्त तकनीक टैबलेट को देखते हुए समझाया टी पार्टी की प्राचीन पुस्तक में गुप्त तकनीक टैबलेट का भी उल्लेख किया गया था हालांकि गोलियों के बारे में दर्ज की गई जानकारी बहुत कम थी लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त था कि गोलियों का मूल्य पौराणिक वस्तुओं से कम नहीं था प्राचीन पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार गॉड्स डोमेन के चार महान साम्राज्यों में से एक फायर ड्रैगन एम्पायर आज अपनी स्थिति में ठीक से ऊपर उठने में कामयाब हो गया था क्योंकि साम्राज्य के पहले शासक ने एक पूरा सेट इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की थी कोई भी देख सकता था कि गुप्त तकनीक की गोलियां कितनी अद्भुत थीं यदि संभव हो तो एंडलेस स्केस अपने लिए भी एक टुकड़ा प्राप्त करना चाहता था हालांकि इसकी कीमत को देखते हुए भले ही उसने ब्लैक वाटर कारपोरेशन की शक्ति को जुटाया हो यह संभावना नहीं थी कि वह इस पर अपना हाथ रख पाएगी आखिरकार गॉड्स डोमेन में ब्लैकवाटर कॉरपोरेशन की जड़ें अभी भी उथली थीं यह अभी तक आभासी गेमिंग दुनिया के विभिन्न महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका जब एंडलेस स्केस सीक्रेट टेक्निक टैबलेट की व्याख्या कर रहे थे तब सीक्रेट स्पेलकास्टिंग टेक्निक की कीमत दो मैजिक क्रिस्टल तक बढ़ गई थी यह एक ऐसा मूल्य था जो दूसरी मंजिल के कमरों में रहने वालों को भी लगता था कि यह थोड़ा अधिक है परिणामस्वरूप दस हजार क्रिस्टल की वृद्धि में बोली लगाने के बजाय उन्होंने अब अपनी बोलियों को दो हजार से बढ़ाना शुरू कर दिया ऐसा लगता है कि अन्य गिल्डों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है थाउजेंड माइल्स तिरस्कार से हंसे तीन सौ दस हजार क्रिस्टल जिस क्षण तीन सौ दस शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल की बोली लगाई गई पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया यहां तक कि फीनिक्स रेन जिसने पहले प्रतियोगिता से काफी दौलत कमाई थी इस कीमत के बारे में बेबस था ऐसा लगता है कि इस बार मिरेकल ने काफी तैयारी की है सौभाग्य से गिल्ड लीडर ने इसका अनुमान लगा लिया था युवा ताइक सिंह ने हंसते हुए कहा तीन सौ तीस हजार क्रिस्टल अगर कोई यह कहे कि पूरे गॉड्स डोमेन में किस गिल्ड ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया तो यह निश्चित रूप से सीक्रेट पवेलियन होगा जब अथर्व ने सभी की पुकार सुनी तो वह अवाक रह गया पहले उसने सोचा था कि चार सौ शून्य 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 से अधिक मैजिक क्रिस्टल अर्जित करने के बाद कोई भी उपस्थित व्यक्ति उसकी संपत्ति का मुकाबला नहीं कर सकता अब हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अभी भी इन महाशक्तियों की नींद को कम करके आका था अगर उसने पहले मैजिक नाइट लिगेसी के लिए चुनाव नहीं लड़ा होता तो वह शायद इस सीक्रेट टेक्निक टैबलेट के लिए चुनाव लड़ पाता दुर्भाग्य से यह अब संभव नहीं था तीन क्रिस्टल जैसे ही गुप्त जादूटोना तकनीक गुप्त मंडप का अधिकार बनने वाली थी हिडन सोल जो अथर्व से बहुत दूर नहीं बैठी थी ने अचानक बोली लगा दी तीन सौ पचास हजार क्रिस्टल थाउजेंड माइल्स ने दांत पीसते हुए चिल्लाया तेजी से उत्तराधिकार में बोलियों को बुलाते हुए दूसरी मंजिल के कमरों पर कब्जा करने वाले विभिन्न गिल्डों को सुनकर पहली मंजिल के हॉल में खिलाड़ियों को लकवा मार गया इसी दौरान अचानक अथर्व का फोनिक्स रेन से संपर्क हो गया फीनिक्स पवेलियन मास्टर क्या आप मुझे अभी दो सौ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल उधार दे सकते हैं मैं आपको पांच दिनों में तीन सौ शून्य 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 क्रिस्टल वापस कर दूंगा अथर्व ने स्क्रीन पर फीनिक्स रेन को देखते हुए सुझाव दिया दो सौ शून्य 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 क्रिस्टल उधार लें और तीन सौ शून्य 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 वापस करें फोनिक्स रेन ने स्क्रीन पर अथर्व को घूरते हुए एक आश्चर्य भाव व्यक्त किया उसे लगा जैसे वह उस आदमी को पहली बार जान रही है पहले दर्जे के गेट को पहले से ही काफी अमीर माना जाता था अगर उनके पास साठ हजार से सत्तर हजार मैजिक क्रिस्टल का भंडार होता फिर भी अथर्व तुरंत दो सौ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल उधार लेना चाहता था इसके अलावा वह उन्हें पचास परसेंट ब्याज के साथ लौटाने का इरादा रखता था यह बाजार की ब्याज दर से दोगुना अधिक था मैजिक क्रिस्टल सिक्के नहीं थे बाजार में थोक में मैजिक क्रिस्टल खरीदना असंभव था संघ कार्यशालाओं या साहसी टीमों से केवल एक छोटी राशि ही खरीद सकते थे इसके अलावा गिड को डंगन पर छापा मारने और उन्हें धीरे धीरे इकट्ठा करने के लिए अपने स्वयं के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था फीनिक्स रेन की राय में हालांकि जीरो विंग के पास स्टोन फॉरेस्ट टाउन जैसी सोने की खान थी और शहर के बैटल अरीना में व्यवसाय फल फूल रहा था जीरो विंग के लिए पाँच दिनों के भीतर तीन सौ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल अर्जित करना असंभव था फिर भी जब उसने अथर्व की आंखों में देखा तो उसने सब देखा आत्मविश्वास और शांति थी क्या आप ब्रॉन्ज टैबलेट के लिए बोली लगाने का इरादा रखते हैं फीनिक्स रेन पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सका यह सही है अथर्व ने इसे छुपाने की कोशिश नहीं की आख़िरकार विचार के एक पल के साथ अनुमान लगाना आसान था अथर्व के गंभीर हावभाव देखकर फीनिक्स रेन ने अपना सिर हिला दिया हंसते हुए उसने कहा मैं आपको सलाह देती हूं कि आप इस बारे में विचार न करें यहां तक कि अगर मैं आपको दो सौ शून्य 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 क्रिस्टल भी उधार दे दूं तो आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे जबकि तीन सौ पचास शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल सर्वश्रेष्ठ प्रथम श्रेणी के गिल्ड के लिए भी एक खगोलीय राशि थी सुपर गिल्ड और सुपर सुपरफर्स्टरेट गिल्ड जो तैयार होकर आए थे अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचे थे उनकी राय में जीरो विंग ने पहले की प्रतियोगिता में बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल अर्जित किए होंगे गिल्ड के भंडार के साथ उनके पास मोटे तौर पर लगभग एक सौ अस्सी शून्य 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 या एक सौ नब्बे शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल होने चाहिए यहां तक कि अगर अथर्व दो सौ शून्य 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 क्रिस्टल उधार लेता है तो उसके पास केवल तीन सौ नब्बे शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल या इतने ही होंगे अन्य महाशक्तियों से मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं था उनके अनुमान से उनके पास केवल चार सौ बीस शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल होने पर गुप्त स्पेलकास्टिंग तकनीक हासिल करने का मौका होगा यदि संभव हो तो फीनिक्स रेन अथर्व से एक सौ अस्सी शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल उधार लेना चाहता था अपने खुद के दो सौ पचास शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल्स को शामिल करने के बाद उसे अन्य गिल्डों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता है हालांकि उसे अभी भी थंडर द्वीप के लिए तैयारी करने की आवश्यकता थी इसलिए यदि उसने मैजिक क्रिस्टल उधार लिए तो वह थोड़े समय के भीतर इसे वापस नहीं कर पाएगी मेरे पास अभी भी दो सौ साठ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल हैं आपके दो सौ शून्य 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 को शामिल करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास पर्याप्त होगा अथर्व समझ गया कि फीनिक्स रेन क्या कहना चाह रहा है मुस्कुराते हुए उन्होंने जारी रखा यदि यह वास्तव में असंभव है तो मैं केवल हार मान सकता हूं विभिन्न महाशक्तियों की सीमा चार लाख जादुई क्रिस्टल होनी चाहिए यहां तक कि अगर उनके पास अधिक होता तो यह उस संख्या से बहुत दूर नहीं होता जबकि एक कांस्य गोली एक चांदी की गोली से कम थी इसकी प्रवेश आवश्यकता बहुत कम थी सिल्वर टैबलेट्स के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी इंटरमीडिएट मैजिक एरे बनाने में सक्षम हो कांस्य की गोलियों के लिए केवल खिलाड़ियों को बेसिक मैजिक एरे बनाने में सक्षम होना आवश्यक था गोल्डन टैबलेट्स के लिए अथर्व ने माना कि प्रवेश करने के लिए खिलाड़ियों को उन्नत मैजिक एरे बनाने की आवश्यकता होगी यहां तक कि उनके जैसा कोई व्यक्ति जो जादू की सरणियों से काफी परिचित था एक उन्नत जादू सरणी नहीं बना सकता था यहां तक कि अगर वह एक गोल्डन टैबलेट प्राप्त करता है तो यह पेपरवेट से ज्यादा कुछ नहीं होगा दूसरी ओर यदि उसके पास कांस्य की गोली होती तो उसके संघ के सदस्य उसका उपयोग कर सकते थे इसलिए अभी जीरो विंग के लिए ब्रॉन्ज टैबलेट प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण था यहां तक कि अगर वह निश्चित नहीं था कि वह बोली जीत सकता है तो उसे कोशिश करने की जरूरत थी दो लाख साठ हजार तुम्हारे पास इतने हैं फीनिक्स रेन हम्फने लगा उसने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विन के पास उससे भी अधिक जादुई क्रिस्टल होंगे तुरंत उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा चलो इसे इस तरह करते हैं मैं तुम्हें दो सौ पचास शून्य 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 क्रिस्टल उधार दूंगी मैं कोई ब्याज भी नहीं मांगूंगी बस मुझे पांच दिनों में पूरा भुगतान कर दो हालांकि मैं ब्रॉन्ज टैबलेट में प्रवेश करने के लिए दस स्लॉट चाहता हूं हम स्लॉट को दो महीनों में विभाजित करेंगे जिसमें पांच लोग प्रत्येक सत्र में प्रवेश करेंगे सीक्रेट टेक्निक टैबलेट का इस्तेमाल महीने में केवल एक बार किया जा सकता है यहां तक कि अगर वह एक प्राप्त करती है तो वह केवल एक बार प्रवेश करेगी एक खिलाड़ी अपनी पहली प्रविष्टि के दौरान एक सीक्रेट टेक्निक टैबलेट से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करेगा बाद में प्रत्येक बाद की यात्रा के साथ एक खिलाड़ी को कम लाभ होगा टैबलेट का सबसे बड़ा फ़ायदा यह था कि खिलाड़ी इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते थे थंडर द्वीप पर प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उसने मुख्य रूप से अपनी ताकत में सुधार करने के लिए ब्रॉज टैबलेट के लिए बोली लगाई थी उसने बाद की प्रविष्टियों के दौरान प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में विशेष रूप से परवाह नहीं की सौदा अथर्व बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया जादुई वर्ग के खिलाड़ियों के लिए गुप्त वर्तनी तकनीक का इरादा था जीरो विन के दौरान केवल कुछ ही जादुई वर्ग के विशेषज्ञ थे जो ब्रॉज टैबलेट में प्रवेश करने के योग्य थे दो महीने में दस स्लॉट पर्याप्त होंगे जिसके बाद दोनों पक्षों ने जल्दी से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए फीनिक्स रेन ने तब ब्लू फीनिक्स ने अथर्व को मैजिक क्रिस्टल वितरित किए थे जब यह हो रहा था गुप्त वर्तनी तकनीक की कीमत बढ़कर तीन सौ चौरानवे शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल हो गई थी पहली मंजिल के हॉल में विभिन्न बड़े संघचकित थे हालांकि वे लंबे समय से जानते थे कि उनके गिल्ड सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स और सुपर गिल्ड्स के लिए कोई मुकाबला नहीं थे उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह अंतर इतना बड़ा होगा धिक्कार है बस मेरे खिलाफ कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है जब उसने दो अन्य कमरों को देखा तो हजारों मील मीगूं उठे वर्तमान में टैबलेट की कीमत अपनी सीमा के करीब पहुंच गई है फिर भी हिडेन सोल और युआन टाइक्सिन ने हार मानने के कोई संकेत नहीं दिखाए अपने बैग में रखे जादुई क्रिस्टलों को देखने के बाद थाउजेंड माइल्स चिल्लाया चार लाख क्रिस्टल चार सौ चार हजार क्रिस्टल हिडन सोल ने घोषणा की उसके शांत स्वभाव को बनाए रखा दिलचस्प इस समय युआन टाइक्सिन हंसा और चिल्लाया चार क्रिस्टल तत्काल नीलामी हॉल इन तीन लोगों के लिए युद्ध का मैदान बन गया वातावरण असाधारण रूप से सर्द हो गया चार सौ चालीस हजार क्रिस्टल थाउजेंड माइल्स ने अब पीछे हटने की योजना नहीं बनाई क्योंकि उसने सीधे तीस हजार मैजिक क्रिस्टल की कीमत बढ़ा दी उन्होंने हिडन सोल और युवान टाइक्सिन को डराने की उम्मीद की अंकल युवान कीमत पहले से ही चार क्रिस्टल पर है यह टैबलेट के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक है पर्पल जेड ने कहा सीक्रेट टेक्निक टैबलेट से खिलाड़ियों को व्यापक लाभ होगा हालांकि गुप्त वर्तनी तकनीक केवल कांस्य रैंक थी वास्तव में उस तकनीक के लिए एक टैबलेट का मूल्य लगभग तीन सौ शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल होना चाहिए यह केवल चार सौ चालीस शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल के लायक नहीं था मैं समझता हूं युवा टाइक ने कहा उन्होंने अपने विरोधियों की सीमा की जांच के लिए केवल चार सौ दस शून्य 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 की बोली लगाई थी दूसरे कमरे में हिडन सोल ने भौहें चढ़ाई आइए इसे एक और प्रयास करें यदि यह वास्तव में संभव नहीं है तो मैं केवल हार मान सकता हूं हिडन सोल को भी लगा कि की कीमत थोड़ी ज्यादा है तुरंत वह चिल्लाई चार सौ चौवालीस हजार क्रिस्टल लानत है। लानत है। उसने हार क्यों नहीं मानी हम पहले से ही चार सौ चालीस शून्य 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 पर हैं हजारों मील क्रोध से जल गए अगर मेरेकल के पास पहले से ही सीक्रेट स्पेल कास्टिंग तकनीक के लिए टैबलेट नहीं है तो वह चार सौ चालीस शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल की खगोलीय कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगा हालांकि गिल्ड लीडर ने उन्हें सीक्रेट स्पेल कास्टिंग तकनीक के लिए पूरी कोशिश करने के लिए कहा था इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था यहां तक कि उसे अपना खून बहाना पड़ा यह उस आदमी की सीमा होनी चाहिए अन्यथा वह कीमत में केवल चार हजार क्रिस्टल की वृद्धि नहीं करता यहां तक कि खुद पश्चिम की चुड़ैल भी थोड़ी चिंतित थी चार सौ पचास हजार क्रिस्टल थाउजेंड माइल्स ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया यह उनकी सीमा भी थी जिस क्षण थाउजेंड माइल्स ने अपनी बोली लगाई वह स्थल स्थलघातक रूप से खामोश हो गया वह अपनी सीमा तक कब पहुंचने वाला है क्या मैजिक क्रिस्टल वास्तव में प्राप्त करना इतना आसान है पहली मंजिल के हॉल में विभिन्न गिल्ड के ऊपरी सोपानों ने इस स्थिति पर अपना दिमाग खो दिया क्या इस पत्थर की गोली के लिए इतनी हताशा वास्तव में आवश्यक थी हाँ ऐसा लगता है कि मैं केवल हार मान सकता हूं हिडदन सोल फूट फूट कर मुस्कुराई क्योंकि उसने अपना सिर हिला दिया उसने कभी नहीं सोचा था कि अपने साथ इतने सारे मैजिक क्रिस्टल लाने के बावजूद वह दिन के अंत में खाली हाथ चली जाएगी अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने मैजिक नाइट लिगेसी खरीद ली होती सेकंड टिक गए नीलामकर्ता मंच पर घबरा गया हालांकि काफी देर के बाद भी हिडन सोल के कमरे से कोई शब्द नहीं आया चार सौ चौवन हजार क्रिस्टल हालांकि जैसे ही थाउजेंड माइल्स ने सोचा कि उनके प्रतिद्वंद्वी ने हार मान ली है हिडन सोल के कमरे से एक नई बोली गूंज उठी यह कैसे संभव है हजार मील गर्जना की उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था हिडन सोल इतने लंबे समय से चुप थी फिर भी उसने एक नई बोली लगाई थी हालांकि थाउजेंड माइल्स के पास शर्त लगाने के लिए और कुछ नहीं था उसके पास नीलामकर्ता के हथौड़े को बार बार गिरते देखने के अलावा कोई चारा नहीं था जैसे ही तीसरी बार गिवर उतरा नीलामी हॉल शोर से फट गया उसके पास इतने जादुई क्रिस्टल कैसे हैं हिडन सोल ने पास के अथर्व को गंभीरता से आकार देना शुरू किया उस व्यक्ति ने मैजिक नाइट लिगेसी खरीदकर उसे पहले ही चौंका दिया था अब उसने कांसे की गोली खरीदने के लिए और चार सौ पचास शून्य 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 मैजिक क्रिस्टल खर्च किए थे अथर्व ने कुल मिलाकर छह सौ शून्य 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 से अधिक मैजिक क्रिस्टल खर्च किए थे यहां तक कि सात पापों के फूल को भी इतना धन तैयार करने में समय लगा ऐसा लगता है कि हमें इस जीरो विन की जांच करनी होगी हिडन सोल को संदेह था कि जीरो विन के रूप में जाना जाने वाला गिड़ उतना सरल नहीं था जितना कि ऑटम गूज ने वर्णित किया था इस बीच ब्रॉन्ज टैबलेट जीतने के बाद अथर्व चुपचाप खुशी से झूम उठा हालांकि उन्होंने बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल खर्च किए थे गुप्त स्पेलकास्टिंग तकनीक गिल्ड के जादुई वर्ग के विशेषज्ञों के लिए सुषमाचार के समान थी दिन के अंत में वह केवल एक तलवारबाज एक शारीरिक हाथापाई वर्ग था वह केवल सामान्य स्पेलकास्टिंग तकनीक सलाह दे सकता था वह हाथापाई कक्षाओं के रूप में उनका पूरी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर सका परिणामस्वरूप जीरो विंग में भौतिक कक्षाओं की तकनीक के मानक जादुई कक्षाओं की तुलना में अधिक थे अब जब उन्होंने कांस्य टैबलेट प्राप्त कर लिया था जब तक कि एकवार रोज वायलेट क्लाउड एल्यूरिंग समर और अन्य जादुई वर्ग के विशेषज्ञों ने अपने तकनीक मानकों में सुधार किया वे गिड में अन्य जादुई कक्षाओं का मार्गदर्शन कर सकते थे हजार मील के कमरे के अंदर कमरे में तनाव लगभग ठोस था स्टार स्टारस्ट्रेक पता लगाओ कि इस समय रूम शून्य एक साथ में कौन है थाउजेंड माइल्स ने ठंडे लहजे में ऑर्डर दिया न केवल वह मैजिक नाइट लिगेसी प्राप्त करने में विफल रहा बल्कि वह ब्रॉन्स टैबलेट प्राप्त करने में भी विफल रहा मुख्यालय लौटने पर निश्चित रूप से उन्हें अपने बारे में समझाने में कठिनाई होगी समझात स्टारस्ट्रेक ने सिर हिलाया वह तुरंत सर्वे रूम शून्य एक साथ के लिए रवाना हो गए हालांकि डार्क ऑक्शन में कमरों ने अपने रहने वालों की गोपनीयता की रक्षा की और दूसरों को जासूसी करने से रोका लेकिन कमरों के अंदर के लोगों को देर सवेर बाहर आना ही पड़ा उस समय उन्हें पता चल जाएगा कि कमरा शून्य एक साथ में कौन रहता था इस बीच जैसे ही डार्क ऑक्शन का पहला खंड समाप्त हुआ लोकप्रिय दूसरा खंड शुरू हुआ नीलामी हॉल में सभी खिलाड़ी दूसरे खंड के दौरान व्यापार के लिए अपनी वस्तुओं की पेशकश कर सकते हैं इस नीलामी में विभिन्न बड़े संघों की यात्रा के पीछे यह बाटरिंग सत्र मुख्य कारण था आमतौर पर जब विभिन्न बड़े गिल्डों ने दुर्लभ सामग्री प्राप्त की तो वे इसका व्यापार नहीं करेंगे भले ही उन्हें इसकी आवश्यकता न हो हालांकि कई बार अन्य संघों को इन बेकार वस्तुओं की सख्त जरूरत थी इसलिए ये गिल्ड इस नीलामी का उपयोग अपनी अनावश्यक दुर्लभ सामग्रियों को वास्तव में आवश्यक चीजों के लिए विनिमय करने के लिए कर सकते हैं बेसिक मैजिक एरे के एक सेट के लिए तीन सिंगल टारगेट अटैक टाइप मैजिक स्क्रॉल की ट्रेडिंग फ्लिमिंग आइस क्रिस्टल के एक स्टैक के लिए मैना क्लॉथ के एक स्टैक का व्यापार ट्रेडिंग वन स्किन पोषण रेसिपी फॉर वन फ्लिम प्रोटेक्शन पोषण रेसिपी मंच के ऊपर बड़ी स्क्रीन पर संदेश के बाद संदेश दिखाई दिया नीलामी घर के किसी भी संरक्षक को अत्यधिक प्रसंस्करण शुल्क के बारे में कोई शिकायत नहीं थी आखिरकार उनके द्वारा सूचीबद्ध सबसे सस्ते आइटम भी पचास गोल्ड या उससे अधिक मूल्य के थे जिनमें से कुछ की कीमत कई सौ गोल्ड थी बस स्क्रीन पर संदेशों के आदान प्रदान को देखकर सभी को मेजबान से थोड़ी जलन हुई न्यूनतम प्रसंस्करण शुल्क 10 सोने के सिक्के थे यदि मेज़बान 100 वस्तुओं को संसाधित करता है तो वे 1000 स्वर्ण अर्जित करेंगे 10000 से अधिक लोगों के साथ एक नीलामी में यदि प्रत्येक व्यक्ति व्यापार के लिए एक वस्तु रखता है तो मेज़बान को तुरंत एक लाख सोना प्राप्त होगा इसके अलावा इनमें से कोई भी खिलाड़ी किसी एक वस्तु का व्यापार करने के लिए यहां क्यों आया होगा किसी को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस तरह की नीलामी आयोजित करना बैंडिट्री से कहीं अधिक लाभदायक था यह इस बात के लिए भी प्रेरणा थी कि अथर्व भविष्य में कैंडललाइट ट्रेडिंग फर्म में नीलामी कैसे संचालित कर सकता है वह डार्क ऑक्शन हाउस के रूप में कई बड़े गिर्द और महाशक्तियों को आमंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता था लेकिन वह अपनी नीलामी के मानकों को थोड़ा कम कर सकता था न केवल बड़े गिर्दों को बोली लगाने की अनुमति देता था बल्कि स्वतंत्र खिलाड़ियों को भी अचानक अथर्व को एक विचार आया वह एक बाटरिंग साइट स्थापित कर सकता था जो खिलाड़ियों के बीच व्यापार को सक्षम करता था गॉड्स डोमेन में नीलामी घरों और अंडरग्राउंड एरिनास के अलावा खिलाड़ी निर्मित शहर खिलाड़ियों के व्यापार स्थानों की पेशकश कर सकते हैं खिलाड़ी एनपीसी शहरों में नीलामी घरों और भूमिगत एरिनास जैसे स्थानों को नहीं खरीद सके हालांकि जब तक खिलाड़ियों के अपने शहर थे तब तक वे अपने स्वयं के वस्तु विनिमय स्थलों का निर्माण कर सकते थे शहर तब सिस्टम के माध्यम से वस्तु विनिमय की अनुमति दे सकता था अतीत में गॉड्स डोमेन में ऐसी कोई विशेष वस्तु विनिमय साइट नहीं थी यह विभिन्न बड़े संघों के कारण था जब स्वतंत्र खिलाड़ियों ने दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की यदि वे उन्हें अच्छी वस्तुओं के लिए व्यापार करना चाहते थे तो उनका सबसे अच्छा विकल्प एक बड़े गिर्ड में जाना था आख़िरकार स्वतंत्र खिलाड़ी जरूरी अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं थे इससे विभिन्न बड़े संघ दुर्लभ वस्तुओं को कम कीमत पर खरीद सकते थे यदि एक विशेष व्यापारिक पोस्ट का निर्माण किया गया था हालांकि विभिन्न बड़े गिल्डों को दुर्लभ वस्तुओं को सस्ते में प्राप्त करने में कठिनाई होगी ऐसे स्थानों की कमी का कारण यह भी था कि स्वतंत्र खिलाड़ियों को शायद ही कभी मूल्यवान वस्तुओं पर हाथ मिला इसके अलावा भौगोलिक प्रतिबंधों के कारण खिलाड़ी आमतौर पर केवल अपने देश में ही व्यापार करते हैं परिणामस्वरूप विनिमय के लिए और भी दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध थीं इसलिए खेल के मध्य देर के चरणों के दौरान विभिन्न बड़े संघों ने अपने शहरों की स्थापना के बाद भी इन स्थानों के निर्माण की जहमत नहीं उठाई यहां तक कि अगर एक गिल्ड ने अपने शहर में एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित की तो अन्य गिल्ड बहुत अधिक समृद्ध नहीं होंगे इस तरह के बाटरिंग स्थान से जितना पैसा कमाया जा सकता है वह इतना दयनीय होगा कि वे निजी तौर पर स्वतंत्र खिलाड़ियों के साथ व्यापार करने से बेहतर होंगे हालांकि अथर्व की स्थिति थोड़ी अलग थी गॉड्स डोमेन अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में था विभिन्न बड़े संघों को सिर्फ अपने शहरों को विकसित करने की कोशिश करने में सिरदर्द हो रहा था शहर बनाने का जिक्र नहीं था इस बीच उनके पास सिटी बिल्डिंग ऑर्डर था इससे उसे भारी फायदा हुआ यदि वह अभी अपने शहर का निर्माण करता तो उसके पास एक भी प्रतियोगी नहीं होता वह डार्क एरिना जैसी फर्म प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए बाजार का विस्तार करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं भविष्य में जब अन्य राज्यों और साम्राज्यों के खिलाड़ी अपनी दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार करने के बारे में सोचते थे तो वे ऐसा करने के लिए उसके शहर में दौड़े चले आते थे अन्य गिल्ड इसके बारे में कुछ भी करने में लाचार होंगे अन्य संघों द्वारा अपने स्वयं के शहरों की स्थापना के बाद भी उनका व्यापारिक पद काफ़ी हद तक बढ़ गया होगा उसके पास दुर्लभ वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति होगी उस समय नए स्थापित व्यापारिक पदों के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव होगा हालांकि बड़े संघों ने बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की गॉड्स डोमेन के अधिकांश खिलाड़ी आधार हमेशा के लिए स्वतंत्र खिलाड़ी होंगे यदि ये स्वतंत्र खिलाड़ी एकत्रित होते हैं तो वे किसी सुपर गिल्ड की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं निजी व्यापार की कठिनाई के कारण स्वतंत्र खिलाड़ियों के लिए एक दूसरे के साथ अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करना व्यावहारिक रूप से असंभव था इसलिए उन्होंने बड़े गिल्डों के साथ बातचीत करने की मांग की यदि एक विशेष वस्तु विनिमय केंद्र उपलब्ध था तथापि स्वतंत्र खिलाड़ियों को केवल अपने आइटम की खेप भेजने की आवश्यकता होगी अन्य खिलाड़ी तब उन वस्तुओं को खरीद सकते थे उन्हें मूर्खतापूर्वक एक के बाद एक व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी वे न केवल बहुत समय और परेशानी बचा सकते थे बल्कि वे अपनी इच्छित वस्तुएं भी प्राप्त कर सकते थे भले ही टेलीपोर्टेशन शुल्क महंगा था सबसे अधिक संभावना है कई स्वतंत्र खिलाड़ी ट्रेडिंग पोस्ट पर जाने के लिए यात्रा करेंगे अथर्व अपने बढ़ते उत्साह को रोक नहीं सका हालांकि अपने शहर का निर्माण करने के लिए उसे पहले पर्याप्त संख्या में सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल प्राप्त करने की आवश्यकता थी अन्यथा तत्वों की सुरक्षा के चार टावरों के बिना शहर की रक्षा करना बहुत कठिन होगा ऐसा लगता है कि मुझे अब योजना को अमल में लाने की जरूरत है इस मामले पर विचार करने के बाद अथर्व ने सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू करने का फ़ैसला किया जबकि सेवन ल्यूमिनरीज क्रिस्टल्स अतुलनीय रूप से दुर्लभ और कीमती थे कुछ स्थान ऐसे थे जो उनके पास थे दुर्भाग्य से ये स्थान बेहद खतरनाक थे और उन्हें तैयारी करने की आवश्यकता थी अथर्व जिस साथ दीप्तिमान क्रिस्टल के बारे में सोच सकता था उसे प्राप्त करने का सबसे आसान स्थान सी ऑफ डेथ का दानव द्वीप था केवल यात्रा विशेष रूप से खतरनाक थी दानव द्वीप भी जीवित रहने के लिए वर्जित भूमि थी पर्याप्त रूप से उच्च अंधकार प्रतिरोध के बिना जीवित रहना असंभव था अथर्व ने तुरंत नीलामी घर की दुर्लभ वस्तुओं को ब्राउज करना शुरू कर दिया उन वस्तुओं की खोज की जो डार्कनेस रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं कुछ समय तक खोजने के बाद सिस्टम द्वारा प्रदान की गई सूची में अथर्व को अंत दो अच्छी चीजें मिली दोनों एक खिलाड़ी के डार्कनेस रेजिस्टेंस को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं उनमें से एक मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोषण था जबकि दूसरा लाइट क्लोक था हालांकि इससे पहले कि अथर्व जश्न मना पाता उसने सामानों की कीमतें देखीं और उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया क्या यह व्यक्ति पागल है इन वस्तुओं को खरीदने के लिए शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी का उपयोग कौन करेगा जैसे ही अथर्व दोबारा श्राप देने वाला था व्यापारी का नाम सुनकर वह सन्न रह गया एक ही व्यक्ति ने इन दोनों वस्तुओं को व्यापार के लिए ऊपर रखा था मुख आश्चर्य गॉड्स डोमेन के दस महान ग्रैंडमास्टर कीमियागरों में से एक वह यहां क्यों है व्यापारी का नाम काफी देर तक घूरने के बाद भी अथर्व को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था वे दस महान ग्रैंडमास्टर कीमियागर थे जिनके बारे में वे बात कर रहे थे ये अस्तित्व सभी अल्केमिस्ट खिलाड़ियों के चरम पर था यहां तक कि सुपर गिल्ड्स को भी उनके साथ सम्मान से पेश आना पड़ा कोई कह सकता है कि गॉड्स डोमेन के सभी गेड और खिलाड़ियों ने ऐसे व्यक्तियों को चूसने की कोशिश की आखिरकार खेल में जितना आगे बढ़ा राक्षस उतने ही शक्तिशाली होते गए यदि खिलाड़ी इन राक्षसों को हराना चाहते हैं तो उन्हें केवल व्यक्तिगत शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है उन्हें बाहरी वस्तुओं की भी आवश्यकता थी उदाहरण के लिए अग्नि प्रकार के मालिकों का सामना करते समय एक टीम उच्च अग्नि प्रतिरोध के बिना जलकर मर जाएगी भले ही टीम कितनी भी मजबूत क्यों न हो अगर टीम के प्रत्येक सदस्य के पास ग्रैंडमास्टर फायर रेजिस्टेंस पोशन है हालांकि वे आसानी से उक्त फायर टाइप बॉस को हरा देंगे एक अन्य उदाहरण अथर्व का नया गंतव्य डेमन आइलैंड था डेमन आइलैंड पहले से ही काफी खतरनाक था हालांकि कभी कभी मौजूद डार्क मिसमा के साथ खिलाड़ी डार्कनेस रेजिस्टेंस के बिना द्वीप पर पैर नहीं रख सकते थे इसके अलावा टॉवर ऑफ टाइम को इसी तरह उच्च जादू प्रतिरोध की आवश्यकता होती है एक टीम को बड़ी संख्या में जादुई प्रतिरोध औषधि की आवश्यकता होगी हालांकि कोई भी जादुई प्रतिरोध औषधि ही नहीं करेगी उन्हें कम से कम उन्नत रैंक औषधि या बेहतर अभी तक मास्टर रैंक की आवश्यकता होगी सबसे अधिक जादू प्रतिरोध औषधि वाले गिल्ड को अधिक सात चमकदार क्रिस्टल प्राप्त होंगे इसके अलावा यह एक कीनियागर के कई लाभों में से केवल एक था गॉड्स डोमेन में ऐसे बहुत से खतरनाक स्थान थे जिनके लिए इन बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता थी इसलिए विभिन्न बड़े संघों ने सामान्य रूप से मास्टर अल्केमिस्ट्स और ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट्स के साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया दस महान ग्रैंड मास्टर अल्केमिस्ट्स में साइलेंट वंडर दृढ़ता से शीर्ष तीन में स्थान पर है यहां तक कि पहले दर्जे के गिल्ड के गिल्ड लीडर्स के लिए भी साइलेंट वंडर के साथ बैठक की व्यवस्था करना मुश्किल होगा और यहां तक कि अगर साइलेंट वंडर मिलने के लिए सहमत हो जाते हैं तब भी उन्हें कतार में लगना होगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा छाया सोना और प्राचीन लकड़ी अथर्व गहरी सोच में पड़ गया क्योंकि उसने उन दो वस्तुओं को देखा जो साइलेंट वंडर बदले में चाहता था शैडो गोल्ड एक एपिक रैंक वाली सामग्री थी यदि कोई हथियार और उपकरण तैयार करते समय इसका एक टुकड़ा जोड़ता है तो उत्पादित हथियार अतिरिक्त अंधेरे क्षति का सामना करेंगे जबकि उपकरण अतिरिक्त अंधेरे प्रतिरोध प्रदान करेगा यह विशेष रूप से अंधेरे प्रतिरोध उपकरण के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली एक असाधारण सामग्री थी अतीत में शैडो गोल्ड की एक पिंड आसानी से 300 सोने में बिक जाती थी हालांकि खिलाड़ियों ने शायद ही कभी सामग्री बेची हो वे आमतौर पर लाइफ खिलाड़ियों के निजी संग्रह के टुकड़े थे जहां तक प्राचीन लकड़ी की बात है तो इसकी कीमत और भी अधिक थी एक लट्ठा पांच सोने में बिक सकता था यह कर्मचारियों जहाज़ों गाड़ियों फर्नीचर और अन्य लकड़ी के उत्पादों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक उत्कृष्ट महाकाव्य सामग्री भी थी इन दो सामग्रियों का कुल मूल्य एक मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोर्शन और एक लाइट क्लोक से बहुत अधिक है उसके जैसा कीमियागर इन वस्तुओं को क्यों चाहता है अथर्व अविश्वसनीय रूप से जिज्ञासु था कीमिया में न तो शैडो गोल्ड और न ही प्राचीन लकड़ी का उपयोग किया गया था हालांकि अथर्व ने इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा तुरंत उन्होंने साइलेंट वंडर को एक संदेश भेजा उनका संदेश बहुत संक्षिप्त था मेरे पास इन दो वस्तुओं के ठिकाने के बारे में सुराग हैं वर्तमान खिलाड़ी शैडो गोल्ड या प्राचीन लकड़ी पर अपना हाथ नहीं जमा सके यहां तक कि अगर कोई आवश्यक स्तर तक पहुंच जाता है तब भी यह एक कठिन कार्य होगा अन्यथा उन्हें दुर्लभ सामग्री नहीं माना जाएगा हालांकि अथर्व को डार्कनेस रेजिस्टेंस वाली चीजों की तत्काल जरूरत थी एक मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशन और लाइट क्लोक इससे अधिक सटीक नहीं हो सकता लाइट लाइटक्लोक विशेष रूप से एक खिलाड़ी के अंधेरे प्रतिरोध में काफ़ी वृद्धि करता है जब तक वह लाइट लाइटक्लोक को सुसज्जित करता था और एक मध्यवर्ती अंधेरे प्रतिरोध औषधि का सेवन करता था जब वह दानव द्वीप पर पहुंचता था तब तक वह द्वीप पर आसानी से घूम सकता था अथर्व द्वारा अपना संदेश भेजने के कुछ ही समय बाद उसे साइलेंट वंडर से एक मित्र को आमंत्रित किया गया इसके बाद अथर्व फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए राज़ी हो गया इस तरह वे वीडियो कॉल के जरिए मामले पर चर्चा कर सकते थे क्या आपके पास वास्तव में शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी के सुराग हैं साइलेंट वंडर बहुत पुराना नहीं लगा वह अपने मध्य बिस्वा दशा में एक महिला की तरह दिखती थी उसका अंडाकार चेहरा और बड़ी सुनहरी आंखें थीं उसने एक अवर्णनीय ठंड और सख्त भावना भी छोड़ी शैडो गोल्ड का उपयोग अंधेरे प्रतिरोध उपकरण को तैयार करने के लिए किया जा सकता है और प्राचीन लकड़ी का उपयोग एक ऐसे कर्मचारी का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो पूर्वजों की शक्ति रखता है जो क्षेत्र रक्षक के मंत्र के प्रभाव को बढ़ाता है क्या मैं सही हूं अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा यह सुनकर साइलेंट वंडर की सुनहरी आंखें खुशी से जगमगा उठी शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी दोनों अत्यंत दुर्लभ महाकाव्य सामग्री थीं यहां तक कि उन्होंने उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए काफी समय तक शोध किया था अब जबकि अथर्व ने आकस्मिक रूप से सामग्रियों के कार्यों का उल्लेख किया था उसने साबित कर दिया कि वह वस्तुओं से कितना परिचित था इसके साथ बाहर आओ आपको मुझे सुराग बताने के लिए मुझे क्या करना चाहिए साइलेंट वंडर ने सीधा पूछा उसने इन सामग्रियों की खोज में बहुत प्रयास किया था उसने अपने हर संपर्क का इस्तेमाल किया था फिर भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था जो उनके स्थानों तक ले जाए वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए डार्क ऑप्शन में आई थी उसे उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों चीज़ों के बारे में किसी को कुछ पता चलेगा आप एक कीनिया करें हैं है ना अथर्व ने उनके सवाल का जवाब अपने ही सवाल से दिया आपको कैसे मालूम क्या तुमने मेरी जांच की साइलेंट वंडर थोड़ा हैरान थी और वह सतर्क हुए बिना नहीं रह सकी मुझे आपकी जांच करने की आवश्यकता क्यों होगी सिर हिलाते ही अथर्व हंस पड़ा क्या आपको एहसास नहीं है कि आपने उन्नत अल्केमिस्ट का प्रतीक चिन्ह पहना है अलग अलग उपवर्गों के अलग अलग प्रतीक चिन्ह थे और प्रत्येक ने अपने संबंधित वर्गों को कुछ लाभ प्रदान किए स्क्रीन ने दिखाया कि साइलेंट वंडर ने वर्तमान में एक उन्नत अल्केमिस्ट का प्रतीक चिन्ह पहना था इससे पता चला कि साइलेंट वंडर पहले ही एक उन्नत कीमियागर बन चुका था अथर्व को मानना पड़ा कि साइलेंट वंडर वास्तव में प्रभावशाली था एक स्वतंत्र खिलाड़ी होने के बावजूद वह इतनी जल्दी एक उन्नत कीमियागर के रूप में विकसित हो गई थी विभिन्न बड़े संघों को एक उन्नत जीवन शैली खिलाड़ी को पोषित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़े फिर भी बहुत कम लाइफ खिलाड़ी वास्तव में उन्नत रैंक तक पहुंचे फिर भी साइलेंट वंडर ने बिना किसी मदद के ऐसा किया था कोई कल्पना कर सकता है कि वह कीमिया में कितनी प्रतिभाशाली थी इसके अलावा साइलेंट वंडर सिर्फ एक ग्रैंडमास्टर अल्केमिस्ट से कहीं ज्यादा था वह टीयर पांच क्लास भी रही थी मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया साइलेंट वंडर मदद नहीं कर सका लेकिन अजीब तरह से हंसा क्योंकि उसने अपने सीने पर प्रतीक चिन्ह को देखा यह सही है मैं एक उन्नत कीमियागर हूं क्या इसमें कोई समस्या है बेशक कोई समस्या नहीं है अथर्व ने हंसते हुए कहा आप उन दो सामग्रियों के लिए सुराग चाहते हैं है ना मेरी शर्तें बहुत साधारण हैं मुझे एक महीने के लिए मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोषण और लाइट क्लोक और क्राफ्ट पोषण दें मैं कच्चा माल उपलब्ध कराऊंगा क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं साइलेंट वंडर ने उसकी आंखें घुमा दी। अच्छा होता अगर अथर्व को केवल दो चीजें चाहिए होती हालांकि वह यह भी चाहता था कि वह एक महीने के लिए मुफ्त में काम करे वह पागल होना चाहिए अगर उसने सोचा कि वह ऐसी शर्तों से सहमत होगी मैं कभी मजाक नहीं करता अथर्व समझ गया कि साइलेंट वंडर के दिमाग में क्या चल रहा है तुरंत उन्होंने साइलेंट वंडर को एक संदेश भेजा और कहा इसे देखो अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरी पूछ कीमत बहुत अधिक है तो आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं क्या आप इतने आश्वस्त हैं साइलेंट वंडर को लगा जैसे अभी अभी उसका सामना किसी पागल से हुआ हो सबसे पहले आदमी को उसकी चीज़ें चाहिए थीं इसके बाद वह चाहता था कि वह एक महीने के लिए मुफ्त में काम करे क्या उसने वास्तव में सोचा था कि वह उसे एक संदेश भेजकर सहमत कर सकता है जिसके बाद साइलेंट वंडर ने बेसबरी से अथर्व का मैसेज खोला और उसे पढ़ा हालांकि कुछ शब्दों को पढ़ने के बाद ही उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई आपके पास ऐसा आइटम क्यों है साइलेंट वंडर को लगा जैसे वह सपना देख रही हो अथर्व ने उसे औषधि के रिकॉर्ड के अलावा और कोई नहीं भेजा था जो उसने भगवान के डोमेन में शामिल होने के तुरंत बाद प्राप्त किया था सभी कीमियागर इस खजाने के मालिक होने का सपना देखते थे फिर भी अब यह उसके सामने रखा गया था औषधि के रिकॉर्ड ने शानदार प्रतिभावान साइलेंट वंडर को भी लुभाया यह अभी भी इसका एक हिस्सा है इसके बारे में क्या ख्याल है अब मेरे प्रस्ताव में दिलचस्पी है साइलेंट वंडर की हर्षित अभिव्यक्ति को देखते हुए अथर्व शांति से मुस्कुराया फोर्जिंग की पुस्तक की तरह औषधि के रिकॉर्ड एक खजाना था जो किसी की कीमिया सफलता दर में सुधार कर सकता था इसके अलावा इसमें पोषण क्राफ्टिंग के बारे में बुनियादी जानकारी थी औषधि के रिकॉर्ड के साथ खिलाड़ियों को बुनियादी कीमिया तकनीकों का आंख बंद करके पता लगाने की जरूरत नहीं होगी यह मास्टर अल्केमिस्ट बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है हालांकि क्या कोई वास्तव में मास्टर अल्केमिस्ट बन गया है यह खिलाड़ी की प्रतिभा पर निर्भर करता है साइलेंट वंडर को गिल्ड का समर्थन नहीं था अथर्व की स्मृति के अनुसार अतीत में साइलेंट वंडर ने अपनी लगभग सभी कीमिया सामग्री स्वयं प्राप्त की थी इसके अलावा गिल्ड कीमियाग्रोह के विपरीत जो कीमिया तकनीकों के बारे में एक दूसरे पर विश्वास कर सकते थे और एक साथ सुधार कर सकते थे साइलेंट वंडर ने बिना किसी सहायता के अपनी कीमिया तकनीकों को प्राप्त किया था इसके अलावा साधारण एनपीसी शहरों में भी विशेष कार्यशालाओं जैसी सुविधाएं नहीं थीं कहने की जरूरत नहीं है विभिन्न बड़े गिल्डों ने गैर गिल्ड सदस्यों को अपनी सीमित विशेष कार्यशालाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी आखिरकार उनके पास इतना भी नहीं था कि वे अपने जीवन शैली के खिलाड़ियों का पोषण कर सकें इसके अलावा विशेष कार्यशालाओं वाले एनपीसी शहरों तक स्वतंत्र खिलाड़ियों की पहुंच नहीं थी उदाहरण के लिए टाइटन के पवित्र शहर को लें पर्याप्त शक्ति और भाग्य के बिना साइलेंट वंडर जैसे स्वतंत्र खिलाड़ी के लिए शहर तक पहुंचना असंभव था मैं यह पहले कहूंगा एक बार जब मैं अपना एक महीने का अनुबंध पूरा कर लूंगा तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा साइलेंट वंडर ने कहा अपने कीमिया कौशल के साथ वह आसानी से किसी भी बड़े गिल्ड में शामिल हो सकती थी यहां तक कि सुपर गिल्ड भी स्वेच्छा से उसे स्वीकार करेंगे हालांकि वह एक गिल्ड में शामिल होने के साथ आने वाले विभिन्न प्रतिबंधों से नफरत करती थी और वह काम करना पसंद नहीं करती थी जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं थी इसलिए उसने एक गिल्ड में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना था आप चीजों के बारे में अधिक सोच रहे हैं यह भी निश्चित नहीं है कि तुम एक महीने के बाद मेरे रोजगार में रहने में सक्षम हो या नहीं अथर्व ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अथर्व का ऐसा कहना सुनकर मौन आश्चर्य की भौहें तन गईं यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह कम आका गया वह एक प्रामाणिक उन्नत कीमियागर थी वह किसी भी गिल्ड की एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगी जिसमें वह शामिल होंगी वास्तव में उसे शुरू करने के लिए डार्क ऑक्शन का निमंत्रण मिला था क्योंकि एक बड़ा गिल्ड उसे भर्ती करना चाहता था उनकी राय में अथर्व रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था हालांकि ऐसे साधन उसके खिलाफ बेकार थे एक बार महीना पूरा होने के बाद वह निश्चित रूप से चली जाएगी जिसके बाद अथर्व और साइलेंट वंडर ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए सामग्री बहुत ही सरल थी साइलेंट वंडर मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशन और लाइट क्लोक सौंप देगा बाद में वह एक महीने के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में काम करेगी बदले में अथर्व साइलेंट वंडर के साथ शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी के सुराग साझा करेगा साइलेंट वंडर द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि अथर्व ने उसे जो अनुबंध भेजा था उसमें कोई समस्या नहीं थी उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए आप मुझे अब सामग्री के लिए सुराग बता सकते हैं है ना साइलेंट वंडर ने ठंडेपन से पूछा यदि औषधियों के रिकॉर्ड के लिए नहीं तो उसने ऐसा अनुपयोगी व्यापार नहीं किया होता आखिरकार मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशन और लाइट क्लोक दोनों कीमती सामान थे जो उसने एक कठिन खोज को पूरा करने के बाद प्राप्त किए थे दो सुरागों के लिए इन दो वस्तुओं का व्यापार करना घाटे का सौदा था केवल सत्तर और उससे ऊपर के डार्कनेस टाइप बॉस के पास शैडो गोल्ड छोड़ने का मौका है इसके अलावा बॉस ग्रैंड लॉर्ड रैंक या उससे ऊपर के होने चाहिए न्यूट्रल मैप्स टुयाग के सबसे गहरे हिस्सों में झील के पास प्राचीन लकड़ी पाई जा सकती है वह क्षेत्र एल्वस का घर है वे इंसानों के शौकीन नहीं हैं इसलिए उनसे पार पाना आसान नहीं होगा अथर्व ने जानकारी दी उन्होंने जिन दो स्थानों का उल्लेख किया वे शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी प्राप्त करने के लिए सबसे आसान स्थान थे जिन अन्य स्थानों के बारे में वह जानता था वे कहीं अधिक खतरनाक थे और भले ही साइलेंट वंडर काफी मजबूत था वह स्वयं सामग्री प्राप्त नहीं कर सकती थी स्वयं साइलेंट वंडर ने सिस्टम मैप की जांच की जब उसने स्टुयाग को पाया तो वह अवाक रह गई सुराग फ्रॉस्ट वॉल्व साम्राज्य के उत्तर में स्थित एक प्राचीन वन था जंगल हमेशा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है आपको प्रवेश करने के लिए कम से कम स्तर अस्सी होना चाहिए इसके अलावा तटस्थ मानचित्र का आकार एक मध्यम आकार के साम्राज्य के आकार का था वह बस यह नहीं जानती थी कि इस बारे में क्या कहा जाए उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए अभी प्राप्त हुई किसी भी जानकारी पर कार्रवाई करना असंभव था मैं आपको पहले ही सुराग बता चुका हूं आपको कल रात तक स्टारमून किंगडम की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना है अथर्व के बोलने के बाद उसने तुरंत कॉल काट दिया शैडो गोल्ड और प्राचीन लकड़ी दोनों ही एपिक रैंक की दुर्लभ सामग्री थी यदि साइलेंट वंडर उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो उसे बहुत कम से कम अस्सी के स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता है विशेष रूप से सुपर गिल्ड द्वारा भी प्राचीन लकड़ी की अत्यधिक मांग की गई थी अगर साइलेंट वंडर खुद से कुछ खरीदना चाहती थी तो वह लेवल 100 तक पहुंचने और अपनी टीयर तीन क्लास में बदलने से पहले ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी इसलिए अथर्व ने साइलेंट वंडर के सुरागों का उल्लेख करते समय विस्तार से बात नहीं की थी यदि वह महिला को इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति के बारे में बताता है तो वह शायद अपना दिमाग खो देगी बाद में अथर्व को मास्टर डार्कनेस रेजिस्टेंस पोशन और लाइट क्लोक मिला जो उन्हें एक स्टाफ सदस्य द्वारा दिया गया था डार्क ऑक्शन के खत्म होने का इंतजार किए बिना उन्होंने व्हाइट रिवर सिटी लौटने से पहले फॉलन वाइंड और ऑटम गूज को अलविदा कहा हालांकि डार्क ऑक्शन में व्यापार के लिए कई दुर्लभ वस्तुएं थीं लेकिन अथर्व की कोई विशेष रुचि नहीं थी इसलिए उसे पीछे रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी अथर्व के कमरे से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद स्टार स्टारस्ट्रीक जो इस पूरे समय चुपके अवस्था में था कमरा शून्य एक साथ से थोड़ी दूरी पर दिखाई दिया यह वह क्यों है स्टार स्टारस्ट्रेक को यह कुछ अविश्वसनीय लगा जब उसने अथर्व को कमरा शून्य एक साथ से बाहर आते देखा उनकी राय में कम समय के भीतर छह सौ शून्य 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 से अधिक मैजिक क्रिस्टल खर्च करने में सक्षम व्यक्ति को एक प्रमुख शक्ति का ऊपरी सोपानक होना चाहिए फिर भी मैजिक नाइट विरासत और ब्रॉन्ज़ टैबलेट दोनों के खरीदार वास्तव में जीरो विंग थे हालांकि स्टार स्ट्रीक ने इस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया उन्होंने तुरंत सूचना थाउजेंड माइल्स को फॉरवर्ड कर दी क्या जीरो विंग वह था जिसने उन दो वस्तुओं को खरीदा था इस संदेश से स्टारस्ट्रीक भयभीत हो गया हालांकि उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे पर उपहास प्रकट करते हुए कहा अच्छा बहुत अच्छा स्टारस्ट्रीक जाओ और कुछ तैयारी करो दिवंगत सेना का नेतृत्व करने में आपकी सहायता करने के लिए शुद्ध मेपल प्राप्त करें और जीरो विंग के विशेषज्ञों को मारें उस मैजिक नाइट लिगेसी साथ ही उन महाकाव्य हथियारों और उपकरणों को चुराना सुनिश्चित करें कोई भी बड़ा गिड जिसने कांस्य टैबलेट प्राप्त किया है वह निश्चित रूप से इसे अपने गिड वेयरहाउस में संग्रहित करेगा जब तक वे कांस्य टैबलेट को संग्रहित करने वाले गिल्ड निवास को नहीं जलाते उनके लिए इसे प्राप्त करना असंभव होगा हालांकि यह मैजिक नाइट लिगेसी आइटम और एपिक वेपन्स एंड इक्विपमेंट के लिए एक अलग कहानी थी यदि कोई मैजिक नाइट लिगेसी प्राप्त करना चाहता है तो उसे लिगेसी क्वेस्ट को पूरा करना होगा जब तक जीरो विंग के विशेषज्ञ अपने गिल्ड निवास को छोड़ देंगे तब तक उन पर हमला करने का भरपूर मौका होगा थाउजेंड माइल्स के शब्दों से स्टार स्ट्रीक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया हालांकि बहुत जल्दी उसने सिर हिलाया और कहा समझ गया द डिपार्टेड लीजन मिरेकल की हत्या की सेना थी यह विशेष रूप से विभिन्न महाशक्तियों के ऊपरी क्षेत्रों को लक्षित करने के लिए बनाई गई सेना थी स्टारस्ट्रेक की राय में वे जीरो विंग के खिलाफ सेना को जुटाकर बस एक राय का पहाड़ बना रहे थे इस बीच स्टारमोन किंगडम के व्हाइट सिटी में अथर्व भी एडवेंचरस एसोसिएशन में चुपके से आ गया था बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट टाउन का पुनर्निर्माण शुरू करने के लिए एसोसिएशन को तीस गोल्ड का भुगतान किया जैसे ही अथर्व ने तीस हजार सोने के सिक्के सौंपे सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज उसके कानों में पड़ी सिस्टम बधाई हो जैसा कि जीरो विंग भगवान के डोमेन में पहला गिल्ड है जिसने इंटरमीडिएट टाउन का पुनर्निर्माण किया है गिल्ड की लोकप्रियता में दो सौ शून्य 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 अंकों की वृद्धि हुई है आपको एक ब्रॉन्स गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर भी प्राप्त होगा अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन ने अथर्व को काफी देर तक अचंभे में डाल दिया उन्होंने केवल एक मध्यवर्ती शहर का पुनर्निर्माण किया था फिर भी जीरो विंग की गिल्ड लोकप्रियता तुरंत दो सौ अंक बढ़ गई थी यह ज्ञात होना चाहिए कि एक स्टार गिल्ड को दो स्टार गिल्ड को बढ़ावा देने के लिए केवल तीस हजार लोकप्रियता की आवश्यकता होती है जबकि दो स्टार गिल्ड को तीन स्टार गिल्ड को बढ़ावा देने के लिए एक लाख लोकप्रियता की आवश्यकता होती है खेल में जितना आगे बढ़ता गया गिल्ड की लोकप्रियता हासिल करना उतना ही मुश्किल होता गया जब एक गिल्ड अभी भी एक सितारा मानक पर था तो गिल्ड के सदस्य साधारण गिल्ड खोज को पूरा करके काफी गिल्ड लोकप्रियता अर्जित कर सकते थे एक बड़े गिल्ड में कितने खिलाड़ी थे प्रत्येक दिन पूरे किए गए गिल्ड क्वेस्ट की संख्या काफी थी किसी गिल्ड को तीस हज़ार पॉपुलैरिटी जमा करने में देर नहीं लगेगी गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर प्राप्त करने में गिल्ड को दो सितारों को बढ़ावा देने का वास्तव में कठिन पहलू है हालांकि एक गिल्ड के दो सितारों तक पहुंचने के बाद गिल्ड के सदस्य अब साधारण गिल्ड खोज को पूरा करके गिल्ड लोकप्रियता प्राप्त नहीं करेंगे वे उन्नत गिल्ड खोज को पूरा करके ही ऐसा कर सकते थे हालांकि उन्नत गिल्ड खोज बहुत दुर्लभ और संख्या में सीमित थी इसलिए दो स्टार गिल्ड को एक लाख गिल्ड पॉपुलैरिटी जमा करने में काफ़ी अधिक समय लगेगा यहां तक कि सुपर गिल्ड्स को भी ऐसा करने में लंबा समय लगेगा इस बीच विभिन्न कारकों के कारण जीरो विंग की लोकप्रियता संचय दर वर्तमान में सुपर गिल्ड्स के बराबर थी अथर्व के अनुमान के मुताबिक जीरो विंग को एक लाख लोकप्रियता हासिल करने में एक या दो महीने का समय लगेगा हालांकि अब जब जीरो विंग को अतिरिक्त दो सौ शून्य 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 लोकप्रियता प्राप्त हुई थी तो उसने तीन सितारा गिल्ड को बढ़ावा देने की शर्त पूरी कर ली थी एक कांस्य गिल्ड निवास पदोन्नति आदेश अथर्व ने कांस्य हीरे के आकार के टोकन को देखा जो अचानक उसके बैग में आ गया था टोकन एक फीकी सुनहरी चमक का उत्सर्जन कर रहा था यह सिल्वर गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर से कहीं अधिक शक्तिशाली था जो उसने पहले प्राप्त किया था कांस्य संघ निवास पदोन्नति आदेश एक गिल्ड निवास की स्टार रैंकिंग को बढ़ावा देता है जो एक स्टार द्वारा आवश्यक लोकप्रियता को पूरा करता है चार स्टार गिर्द तक पदोन्नत किया जा सकता है क्या एक शक्तिशाली गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर अथर्व चकित रह गया जहां तक अथर्व को पता था गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर सभी ग्रेडेड थे इस बीच अलग अलग स्टार रैंकिंग के गिर्ड पर अलग अलग रैंकिंग प्रमोशन ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक स्टार गिल्ड को दो स्टार गिल्ड में प्रमोट करने के लिए दो स्टार प्रमोशन ऑर्डर की आवश्यकता होगी जबकि तीन स्टार गिल्ड में प्रमोशन के लिए तीन स्टार प्रमोशन ऑर्डर की आवश्यकता होगी हालांकि ब्रॉन्ज़ गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर वास्तव में किसी भी गिल्ड को एक स्टार से तीन स्टार स्थिति के बीच एक रैंक से बढ़ावा देने में सक्षम था विशिष्ट रैंकिंग के पदोन्नति आदेशों की खोज करने की आवश्यकता नहीं होगी ब्रॉन्ज़ गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर को देखते हुए अथर्व ने इसे उस समय के लिए बचाने पर विचार किया जब जीरो विंग अपने निवास को तीन स्टार से चार स्टार स्थिति में अपग्रेड कर रहा था गॉड्स डोमेन में गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर प्राप्त करना आसान नहीं था दुर्लभ कुछ के अलावा जो खेतों में बाहर निकलने या ट्रेजर चेस्ट खोलने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर प्राप्त करने की सामान्य विधि कुछ बड़े पैमाने पर तीन डंगन पर छापा मारने के माध्यम से थी हालांकि केवल इस तरह के कालकोठरी का पहला क्लियर प्राप्त करने से गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर प्राप्त करने का 100 परसेंट मौका होगा बाद में हटाए गए काल कोठरी में पदोन्नति आदेश छोड़ने का 1 परसेंट से भी कम मौका होगा यह भी एक कारण था कि क्यों विभिन्न बड़े संघ बड़े पैमाने पर तीन काल कोठरी के पहले स्पष्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अड़े थे अपनी स्वयं की गिल्ड की प्रसिद्धि और प्रभाव को बढ़ाने में सक्षम होने के अलावा वे फर्स्ट क्लियर प्राप्त करके अपने गिल्ड की स्टार रैंकिंग को भी तेजी से बढ़ा सकते हैं यदि किसी अन्य गेट द्वारा पहला क्लियर ले लिया गया था तो गिड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर प्राप्त करना काफी कठिन हो जाएगा यह तीन सितारा गिर्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर के लिए विशेष रूप से सच था यह कुछ ऐसा था जो केवल स्तर पचास बड़े पैमाने पर तीन दंग के हेल्थ मॉड में गिरा इसके अलावा इस तरह के बड़े पैमाने पर तीन दंग्न उन डन से अलग थे जिन्होंने दो स्टार प्रमोशन ऑर्डर गिरा दिए थे उत्तरार्ध के मामले में प्रत्येक प्रमुख शहर में उनमें से एक होगा तीन सितारा और उससे ऊपर के लिए हालांकि प्रत्येक कुछ या एक दर्जन से अधिक प्रमुख शहरों में केवल एक ही बड़े पैमाने पर टीम काल कोठरी होगी यदि इस तरह के कालकोठरी का पहला साफ एक गिल्ड द्वारा सुरक्षित किया गया था तो अन्य गिल्डों के पास अपने स्वयं के पदोन्नति आदेशों के लिए बड़े पैमाने पर टीम दंगन पर लगातार छापे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा इस प्रकार तीन स्टार गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर गिल्ड्स के बीच प्रतिस्पर्धा को और भी तीव्र बना देगा भविष्य में संघों को न केवल उसी शहर में अन्य संघों के साथ बल्कि अन्य शहरों के संघों के साथ भी संघर्ष करना होगा जहां तक चार सितारा गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर का सवाल है इसके लिए प्रतिस्पर्धा और भी भयावह हो जाएगी क्योंकि प्रत्येक राज्य में केवल एक या दो बड़े पैमाने के टीम दंगन होंगे जो इसे गिरा देंगे जबकि साम्राज्यों के पास थोड़ा अधिक था ये कालकोठरी अभी भी बहुत सीमित थी क्षमा करें मैं जीरो विन गिल्ड को बढ़ावा देना चाहता हूं मामले पर कुछ विचार करने के बाद अथर्व ने तुरंत ब्रॉन्ज़ गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर निकाला और एनपीसी प्रशासक को सौंप दिया खिलाड़ियों ने गिल्ड में शामिल होने से भी परेशान होने का कारण यह था कि गिल्ड ने ऐसे लाभ प्रदान किए जो उनके सदस्यों के स्तर को बढ़ाने और उनकी ताकत को और अधिक तेज़ी से सुधारने में मदद कर सकते थे इसलिए जितनी तेज़ी से एक गिल्ड को बढ़ावा दिया गया उतना ही यह गिल्ड के भविष्य के विकास के लिए बेहतर होगा लॉर्ड प्रोटेक्टर क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस गिल्ड निवास को तीन सितारा निवास में बढ़ावा देना चाहते हैं व्यवस्थापक ने पदोन्नति आदेश प्राप्त करने के बाद पूछा द गिड रेजिडेंस इन व्हाइट सिटी अथर्व ने सीधे साधे अंदाज में कहा व्हाइट सिटी जीरो विन का बेस कैंप था यह बेहद सुरक्षित भी था क्योंकि यह एक प्रमुख एनपीसी शहर में स्थित था इसके अलावा यह बहुत पहले नहीं होगा जब व्हाइट सिटी को अगली रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा और इसमें रहने वाले खिलाड़ियों को कई लाभ मिलेंगे स्वाभाविक रूप से उन्हें वहां निवास को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देनी थी स्टोन फॉरेस्ट टाउन और लेक हार्ट सिटी में निवासों के लिए उन्हें भविष्य में प्रदर्शित होने के एक और अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी ठीक है दो सितारा गिल्ड निवास को तीन सितारा गिल्ड निवास में बढ़ावा देने के लिए पांच शून्य 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 गोल्ड पुनर्निर्माण शुल्क की आवश्यकता होगी व्यवस्थापक ने कहा हालांकि एक सिटी प्रोटेक्टर के रूप में हमारा एसोसिएशन आपको 20 परसेंट की छूट प्रदान करेगा इसलिए लॉर्ड प्रोटेक्टर को केवल चार हज़ार गोल्ड का भुगतान करने की आवश्यकता है अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के चार हजार और सोना निकाल लिया सुंदर प्रशासक द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी अथर्व के कानों में सिस्टम घोषणाओं की एक श्रृंखला सुनाई दी स्टारमून किंगडम सिस्टम घोषणा जीरो विंग को स्टारमून किंगडम में तीन स्टार गिल्ड निवास का पहला गिल्ड बनने के लिए बधाई गिल्ड एम्बलेन को ब्रॉन्ज रैंक में अपग्रेड किया गया गिल्ड को बेसिक डिफेंसिव मैजिक एरे के एक सेट गिल्ड फंड्स में 1,500 गोल्ड और एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर बिल्डिंग ऑर्डर के साथ पुरस्कृत करना व्हाइट रिवर सिटी सिस्टम घोषणा व्हाइट रिवर सिटी में तीन सितारा गिल्ड निवास का पहला गिल्ड बनने के लिए जीरो विंग को बधाई एक प्रशिक्षण कक्ष पदोन्नति आदेश के साथ पुरस्कृत गिल्ड सिस्टम की घोषणा तीन बार दोहराई गई जो सभी के कानों में जोर से गूंज रही थी क्या एक तीन सितारा निवास यह असंभव है है ना अधिकांश गिल्ड अभी अपने निवासों को दो सितारा में बढ़ावा देना शुरू कर रहे हैं जीरो विंग के पास पहले से ही तीन सितारा निवास कैसे हैं जीरो विंग बहुत अद्भुत है जैसा कि स्टारमोन किंगडम के नंबर एक गिल्ड से अपेक्षित था मुझे जीरो विंग में शामिल होना चाहिए चाहे कुछ भी हो तीन सितारा निवास के लाभ निश्चित रूप से शानदार होंगे सिस्टम घोषणा में बताए गए पुरस्कारों से पूरे स्टारमोन किंगडम के खिलाड़ी दंग रह गए यह विभिन्न बड़े संघों के सदस्यों के लिए विशेष रूप से सच था वे सभी जीरो विंग से बहुत ईर्ष्या करते थे जीरो विंग के गिल्ड प्रतीक को सीधे कांस्य रैंक में अपग्रेड किया गया एक गिल्ड प्रतीक केवल एक गिल्ड का प्रतीक नहीं था किस समान लाइफस्टाइल क्लासेस का प्रतीक चिन्ह गिल्ड प्रतीक चिन्ह भी कुछ कार्य करता है एक सामान्य गिल्ड प्रतीक अपने साथ कोई कार्य नहीं करता था हालांकि एक बार एक गिल्ड प्रतीक कांस्य रैंक तक पहुंच गया यह कुछ कार्यों के साथ तैयार हुआ एक कांस्य गिल्ड प्रतीक के दो कार्य थे पहला कार्य एक टेलीपोर्ट क्षमता थी गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल के बिना भी गिल्ड के सदस्य किसी भी गिल्ड निवास को सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं किसी विशिष्ट गिल्ड निवास के गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी उल्लेख नहीं करने के लिए खिलाड़ी एक समय में केवल एक गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल ले जा सकते हैं जिससे यह बहुत असुविधाजनक हो जाता है दूसरे समारोह ने गिल्ड सदस्यों के गुणों में वृद्धि की जब तक एक सॉफ यार्ड के दायरे में बीस से अधिक गिल्ड सदस्य थे तब तक गिल्ड प्रतीक पहनने वाले के अधिकतम एचपी को तीन और अटैक पावर को एक बढ़ा देगा हालांकि वृद्धि मामूली लग रही थी एक बार जब खिलाड़ी उच्च स्तर पर पहुंच गए तो एक परसेंट भी बड़ा अंतर ला सकता है यह विशेष रूप से सच था जब खिलाड़ी टीम दंग पर छापा मार रहे थे सिस्टम की घोषणा समाप्त होने के एक मिनट से भी कम समय के बाद जीरो विन को तीन सितारा गिर्ड निवास प्राप्त करने की खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी केवल दस मिनट में चाहे वह स्टारमून किंगडम में गिल्ड हो या पड़ोसी राज्यों और साम्राज्यों में गिल्ड हो उन सभी ने एक आपातकालीन गिल्ड मीटिंग की इसी समय डार्क ऑक्शन में दुर्लभ वस्तुओं के लिए बाटरिंग करने वाले विभिन्न बड़े गिल्डों को भी इस स्थिति के बारे में खबर मिली क्या जीरो विंग ने अभी अभी तीन सितारा गिल्ड निवास प्राप्त किया है फिनिक्स रेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई जब उन्होंने अभी अभी प्राप्त संदेश को पढ़ा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सच है यह कैसे संभव हो सकता है बड़ी बहन वर्षा क्या हुआ ब्लू फीनिक्स ने पूछा कि उसने फीनिक्स रेन के चेहरे पर अजीब भाव कब देखा फीनिक्स रेन ने एशिया से कहा मुझे अभी अभी खबर मिली है कि जीरो विंग में पहले से ही एक तीन सितारा गिल्ड निवास है इसके साथ जीरो विंग अब स्टार मून किंगडम का निर्विवाद नंबर एक गिल्ड है यह सुनकर ब्लू फीनिक्स क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई जल्दी से उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा यह कैसे संभव है क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि तीन स्टार गिल्ड रेजिडेंस प्रमोशन ऑर्डर केवल लेवल पचास के बड़े पैमाने पर टीम दंग के हेल मॉड से ही प्राप्त किए जा सकते हैं हालांकि तीन स्टार गिल्ड रेजिडेंस और दो स्टार गिल्ड रेजिडेंस को अलग करने वाली केवल एक ही रैंक थी लेकिन दोनों के बीच गुणात्मक अंतर था यह उन दुकानों के समान था जिन्हें दो स्टार से तीन स्टार स्थिति में पदोन्नत किया गया था तीन सितारा दुकानों के लिए अधिक विशेष कार्यशालाओं के अलावा उनके पास बुनियादी ध्यान कक्ष भी थे जो उपवर्गों के विकास के लिए बहुत फ़ायदेमंद थे तीन सितारा गिल्ड निवास के मामले में गिल्ड को अपने सभी मौजूदा लाभों पर गुणात्मक सुधार प्राप्त होगा एक तीन सितारा गिल्ड निवास उन भवनों के निर्माण में भी सक्षम होगा जो दो सितारा गिल्ड निवासों के लिए उपलब्ध नहीं थे इनमें विशेष महत्व की दो इमारतें थीं उनमें से एक रोजगार केंद्र था मूल रूप से स्थानीय एनपीसी गिल्ड हॉल के खोज क्षेत्र में खोज पोस्ट करेंगे और गिल्ड खिलाड़ी उनमें से किसी को लेने के लिए स्वतंत्र थे इस बीच एक बार एक गिल्ड ने अपना रोजगार केंद्र स्थापित कर लिया तो भविष्य में गिल्ड को सौंपे गए सभी कार्यों को इसके बजाय रोजगार केंद्र में रखा जाएगा इसके अलावा रोजगार केंद्र में गिल्ड खोज केवल स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी कुछ खोजों में अन्य एनपीसी शहर भी शामिल होंगे जो उन्नत गिल्ड खोजों की संख्या को जन्म देंगे हालांकि ये अभी भी सबसे महत्वपूर्ण मामले नहीं थे एक बार एक गिल्ड के पास अपना रोजगार केंद्र होने के बाद यह बड़े पैमाने पर गिल्ड क्वेस्ट को भी अनलॉक कर देगा जैसे कि ओक्स के खिलाफ धर्मयुद्ध या विदेशी जातियों के खिलाफ लड़ाई में आसपास के राज्यों की सहायता करना इन खोजों से प्राप्त होने वाले स्व और सिक्कों की मात्रा असाधारण थी इसके अलावा बहुत सारे दुर्लभ उपकरण हथियार और उपकरण भी प्राप्त किए जा सकते हैं दूसरी इमारत प्रशिक्षण कक्ष थी डिवाइन कोलोसियम के ट्रायल टावर के विपरीत जिसके लिए खिलाड़ियों को आंख बंद करके युद्ध तकनीकों की खोज करने और सीखने की आवश्यकता होती है प्रशिक्षण कक्ष ने खिलाड़ियों को एनपीसी से सिस्टम के बुनियादी युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति दी इसने उन खिलाड़ियों को अनुमति दी जो थोड़े समय के भीतर बुनियादी युद्ध तकनीकों के साथ साथ कौशल उपयोग तकनीकों को समझने के लिए गिल्ड में शामिल हो गए थे इस प्रकार उन्हें जल्दी से एक नए सदस्य से कुलीन सदस्य बनने की अनुमति देता है यह ज्ञात होना चाहिए कि जीरो विंग एक गिल्ड था जो अभिजात वर्ग के मार्ग पर चलता था वर्तमान में गिल्ड में लगभग एक लाख संभ्रांत सदस्य थे इसके आधे से अधिक सदस्य अभी तक कुलीन स्तर तक नहीं पहुंचे थे हालांकि एक बार जीरो विंग के पास प्रशिक्षण कक्ष होने के बाद शेष सदस्य तुरंत संभ्रांत बन सकेंगे जल्द ही जीरो विंग में दो सौ शून्य 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 से अधिक संभ्रांत सदस्य होंगे इतने सारे संभ्रांत खिलाड़ियों के साथ यहां तक कि पहले दर्जे के गिल्ड भी जीरो विंग के लिए मुश्किल से ही मैच होंगे इस बीच यह इस धारणा के तहत था कि जीरो विंग ने विस्तार नहीं किया और नए सदस्यों की भर्ती की यदि गिल्ड ने बड़े पैमाने पर भर्ती की तो फीनिक्स रेन ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि गिल्ड कितना भयावह हो जाएगा हालांकि फीनिक्स रेन के विपरीत जो जीरो विंग से ईर्ष्या महसूस कर रहा था स्टार मून किंगडम और पड़ोसी राज्यों में बड़े गिल्ड वर्तमान में चिंता से मर रहे थे पहले हालांकि जीरो विन को स्टार मून किंगडम के नंबर एक गिल्ड के रूप में जाना जाता था यह केवल एक शीर्षक था जीरो विन के बजाय इन बड़े संघों को प्रथम श्रेणी के संघों से और भी अधिक डर लगता था ऐसा इसलिए था क्योंकि कुलीन और सामान्य सदस्यों की संख्या के साथ जीरो विन के पास गिल्ड केवल राज्य में सीमित स्थानों पर कब्जा करने में सक्षम होगा अब हालांकि चीज़ें अलग थीं अब जबकि गिल्ड ने तीन सितारा गिल्ड रेजिडेंस प्राप्त कर लिया है चाहे वह गिल्ड के एलीट सदस्यों की संख्या हो या कुल सदस्यों की संख्या दोनों में जल्द ही विस्फोटक वृद्धि देखने को मिलेगी तब तक जीरो विंग के पास अन्य एनपीसी शहरों पर कब्जा करने और अधिक शहरों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति होगी आखिरकार यह सही अर्थों में प्रथम श्रेणी का गिल्ड बन जाएगा तेरी की यह कैसे हो गया जीरो विंग को अचानक तीन सितारा निवास क्यों मिल गया स्टारमून किंगडम के विभिन्न बड़े संघ इस मामले में भारी सिरदर्द से पीड़ित थे पहले वे इस तथ्य पर जश्न मना रहे थे कि जीरो विंग ने ब्लैकवाटर गिल्ड को हरा दिया था आख़िरकार ब्लैकवाटर को इस तरह के गंभीर नुकसान होने के कारण यह अपने प्रभाव का विस्तार करने और विभिन्न प्रमुख शहरों पर नियंत्रण करने में असमर्थ था इस बीच जीरो विंग के मामले में गिल्ड के पास अन्य एनपीसी शहरों पर हावी होने और प्रबंधन करने के लिए आवश्यक जनशक्ति नहीं थी इससे उन्हें स्थिति का फ़ायदा उठाने का मौका मिल गया था ब्लैकवाटर और जीरो विंग के बीच युद्ध के बाद से स्टारमून किंगडम के विभिन्न स्थान युद्ध क्षेत्र बन गए थे क्योंकि विभिन्न बड़े संघों ने अपने स्वयं के एनपीसी शहर का नियंत्रण लेने की होड़ की थी हालांकि वर्तमान स्थिति कई बड़े संघों की अपेक्षाओं को पार कर गई थी मेपल सिटी में जबरदस्त मुस्कान के निवास के अंदर जीरो विंग को तीन सितारा गिल्ड रेजिडेंस मिलने के कारण ओवरवेलिंग स्माइल को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा यूलान क्या तुम जबरदस्त मुस्कान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो अथर्व जुआनयान ने अपनी मेज पर हाथ फेरा तो वह गुस्से से चिल्लाया अभी अभी योलन ने वास्तव में अपने अधीनस्थों को गेल सिटी और ट्विन लायन सिटी से स्टारमून किंगडम के पश्चिमी क्षेत्र के एक सीमावर्ती शहर में स्थानांतरित किया था गेल सिटी और ट्विन लायन सिटी को खड़ा करने और चलाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था फिर भी बिना किसी चेतावनी के अपनी स्वयं की कुछ नींबों का निर्माण करने के तुरंत बाद यूलान अचानक आया और उसे एक सीमावर्ती शहर में जाने के लिए कहा इसके अलावा शहर लगभग तीन सौ शून्य 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 की खिलाड़ी आबादी वाला एक छोटा सा शहर था यह उसके दिल में चाकू घोंपने से अलग नहीं था यह मदद नहीं की जा सकती मेरा मानना है कि एक तीन सितारा निवास में किस प्रकार के कार्य होते हैं इस बारे में मेरी तुलना में आपको अधिक समझ होनी चाहिए गेल सिटी और ट्विन लायन सिटी व्हाइट रिवर सिटी के बहुत करीब हैं जीरो विंग के खिलाफ लड़ने में समय बर्बाद करने के बजाय आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपनी ताकत को ऐसी जगह केंद्रित करें जिस पर आप पूरा नियंत्रण कर सकें इसके अलावा अब जीरो विंग के उदय को रोकना असंभव है इस बात पर आलाकमान पहले ही राजी हो चुके हैं इसलिए वे आपको पश्चिमी सीमा पर एक शहर में जाने के लिए कह रहे हैं वह जगह ब्लडहूफ साम्राज्य के बहुत करीब है वर्तमान में हम पहले ही आधे से अधिक साम्राज्य पर नियंत्रण कर चुके हैं भविष्य में जब खिलाड़ी उच्च स्तर पर पहुंचेंगे तो हम ब्लडहूफ एम्पायर और स्टारमून किंगडम के बीच एक व्यापार मार्ग खोलने में सक्षम होंगे अथर्व जुआनयाम की गुस्सेल धोकनी से यूलान बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ वास्तव में उसने चुपके से जीरो विंग के प्रति आभार भी महसूस किया इस बार जीरो विंग के निवास को तीन सितारा स्थिति में पदोन्नत करने के कारण अंडरवर्ल्ड ने आखिरकार स्टारमून किंगडम का नियंत्रण लेने का फैसला किया और इसके बजाय गुप्त रूप से अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया इस बीच योलन खुद को अंडरवर्ल्ड के असली मुख्यालय टेम्पलर साम्राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था और उसे अंडरवर्ल्ड की ट्रेडिंग फर्म के प्रबंधन का काम सौंपा गया था माना जा सकता है कि वह अब अंडरवर्ल्ड के ऊपरी सोपानक में सही मायने में पैर जमा चुकी है जब अथर्व जुआनयान ने सुना कि यह उच्चाधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था है तो उसका पूरा व्यक्तित्व कई वर्षों का लग रहा था यह स्पष्ट था कि अंडरवर्ल्ड अब स्टारमून किंगडम पर नियंत्रण करने के प्रयास में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था इस बीच ओवरवेलिंग स्माइल के अलावा स्टारमून किंगडम के पूर्वी क्षेत्र में स्थित विभिन्न बड़े संघों ने भी इसी तरह की व्यवस्था की थी उन सभी ने अपना ध्यान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की योजना बनाई पूर्वी क्षेत्र के लिए वे स्वाभाविक रूप से जीरो विंग को इसे विकसित करने देने जा रहे थे हाँ 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 गिल्ड लीडर बस बहुत ही अद्भुत है वह वास्तव में कुछ ही समय में स्टार मोन किंगडम में विभिन्न गिल्डों को पश्चिमी क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में कामयाब रहे इसके साथ जीरो विंग के पास पूर्वी क्षेत्र के शहरों को नियंत्रित करने में बहुत आसान समय होगा एक बार रोज़ जो हाल ही में इन्फ़ीरियर लीजेंडरी ट्रेजर चेस्ट से बाहर निकली थी जब उसे नवीनतम घटनाक्रम की खबर मिली तो वह बहुत उत्साहित थी मूल रूप से उसने जीरो विंग के लिए योजना बनाई थी कि अंतः यहां के शहरों पर नियंत्रण करने से पहले स्टारमून किंगड़म के पूर्वी क्षेत्र में स्थित विभिन्न बड़े गिल्डों को धीरे धीरे दूर कर दिया जाए हालांकि तत्काल अथर्व ने तीन सितारा गिल्ड निवास का खुलासा किया इन विभिन्न बड़े गिल्डों ने बिना किसी लड़ाई के अपनी सेना को वापस लेने की पहल की स्टारमून सिटी के आसपास के क्षेत्र में एक एनपीसी शहर के अंदर वर्तमान में इस शहर पर पहले से ही ईविल बीस्ट्स का कब्जा था शहर का परिवेश लेवल साठ प्लस ईविल बीस्ट्स से भरा हुआ था उनमें से सरदार और भगवान रैंक के राक्षसों की कोई कमी नहीं थी इस बीच शहर भी एक विशाल जादू सरणी से घिरा हुआ था जिसने एक भयावह दबाव छोड़ दिया अगर अथर्व अभी यहां होता तो निश्चित तौर पर उसे यह दबाव जाना फँचाना लगता यह उस जादुई व्यू से निकलने वाले दबाव के कारण था जिसमें दैवीय शक्ति का एक धागा मिला हुआ था इसी बीच दो खिलाड़ी अचानक इस कस्बे के बाहर नजर आए ये दोनों लोग कोई और नहीं बल्कि परित्यक्त लहर और हंसता हुआ शराबी था जीरो विंग जब आप कर सकते हैं तो अपनी मस्ती का आनंद लें परित्यक्त लहर को जब जीरो विंग की खबर मिली तो उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई इसके बाद वह विशाल जादुई व्यू से आच्छादित शहर में चला गया व्हाइट रिवर्सिटी एडवेंचरर्स एसोसिएशन जब अथर्व जो एक काले लबादे के नीचे छिपा हुआ था दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से नीचे उतरा तो पहली मंजिल पर खिलाड़ियों की भीड़ ने उसका स्वागत किया इनमें से अधिकांश खिलाड़ियों में एक समानता थी वे सभी गिल्ड खिलाड़ी थे इसके अलावा ये गिल्ड सभी अच्छे उपकरणों के साथ उच्च स्तर के थे ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एक नवागंतुक जो अभी अभी लेवल 10 पर पहुंचा था और एडवेंचरर्स एसोसिएशन को रिपोर्ट करने आया था ने पूछा पूछने की भी जरूरत है क्या वे सभी यहां अपने गिर्ड से हटने के लिए हैं लेवल 30 से अधिक के शीड वॉरियर ने प्रवेश द्वार के पास अपनी सीट से समझाया क्यों स्पष्टीकरण ने नए खिलाड़ी की जिज्ञासा को ही बढ़ाया जबकि खिलाड़ियों को अपने गिल्ड से हटते देखना असामान्य नहीं था यह पहली बार था जब उसने एक ही समय में विभिन्न गिल्डों के इतने सारे लोगों को देखा था आप नए हैं इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि आप नहीं जानते वे जीरो विंग में शामिल होने के लिए अपने मूल गिल्ड को छोड़ रहे हैं शेड वारियर ने ईर्ष्या से कहा क्योंकि उन्होंने विभिन्न गिल्ड खिलाड़ियों को देखा जीरो विंग एक रोल पर है इसके निवास में पहले से ही तीन सितारा निजी कमरे हैं यदि आप उन कमरों में से किसी एक में 24 घंटे आराम करते हैं तो आप 30 परसेंट डबल पर शौकीन जमा करेंगे इसके अलावा इसमें अब रोजगार केंद्र है मैंने सुना है कि जीरो विन पूरी तरह से चला गया है सुनिश्चित करें कि यह स्टाइलिश होगा इमारत में दो मंजिलें हैं पहले पर खिलाड़ी सामान्य और उन्नत गिल्ड खोज चुन सकते हैं और दूसरी मंजिल खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर गिल्ड खोज लेने की अनुमति देती है बड़े पैमाने पर गिल्ड क्वेस्ट उन्नत क्वेस्ट से कहीं अधिक पुरस्कार देते हैं यहां तक कि अभिजात वर्ग के सदस्यों को अन्य गिल्डों में एक उन्नत गिल्ड क्वेस्ट चुनने में कठिनाई होती है जीरो विंग में हालांकि सामान्य सदस्य भी एक को चुन सकते हैं एक बार जब आप जीरो विंग के अभिजात वर्ग में से एक बन जाते हैं तो आप बड़े पैमाने पर गिल्ड क्वेस्ट भी चुन सकते हैं जब तक गिल्ड के सदस्यों के पास पर्याप्त योगदान अंक हैं वे अपने गिल्ड प्रतीक को कांस्य रैंक में अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ बोनस गुण प्राप्त कर सकते हैं आप एक नवागंतुक हैं है ना अब आपके लिए जीरो विंग में शामिल होने का सबसे अच्छा समय है मैंने सुना है कि जब तक गिल्ड के सदस्य कुछ योगदान अंक खर्च करने को तैयार हैं आप एनपीसी से उनके नए प्रशिक्षण कक्ष में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और बुनियादी युद्ध तकनीकों और कौशल उपयोग तकनीकों को सीख सकते हैं वे आपको शीघ्र विशेषज्ञ बनने में मदद करेंगे द शील्ड वॉरियर के शब्दों ने तुरंत एडवेंचरर्स एसोसिएशन के भीतर विभिन्न नवागंतुकों का ध्यान आकर्षित किया वे सभी भगवान के डोमेन के लिए नए थे और वे खेल की युद्ध शैली के लिए पूरी तरह से नए थे परिणामस्वरूप उन्हें राक्षसों से बहुत परेशानी हुई इसके अलावा उन्हें अपने दम पर युद्ध की तकनीक सीखनी पड़ी जब उन्होंने खिलाड़ियों को एक साथ दो या तीन सामान्य राक्षसों को आसानी से देखा तो उन्हें जलन हुई स्वाभाविक रूप से एक स्थान जहां वे अपनी लड़ाकू तकनीकों में सुधार कर सकते थे वह आकर्षक होगा क्या मुझे पता है कि मैं जीरो विन में शामिल होने के लिए कहां आवेदन कर सकता हूं एक सुंदर आकर्षक स्तर दस महिला मौलवी ने उत्साहपूर्वक शीर्ड योद्धा से पूछा जवाब में शील्ड वॉरियर मुस्कुराया और उसने खिलाड़ियों के एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी अपने पुराने गिर्ड से हटे थे और कहा यह आसान है बस उन खिलाड़ियों का अनुसरण करें जिन्होंने अभी अभी अपने पुराने संघों को छोड़ा है वे सभी भी आवेदन करने जा रहे हैं जब कई नवागंतुकों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत उन खिलाड़ियों का पीछा किया जो अभी अभी अपने गिर्ड से हटे थे और एडवेंचरर एसोसिएशन छोड़ चुके थे अथर्व अपने सदमे को रोक नहीं सका उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तीन सितारा गिल्ड निवास इतना शक्तिशाली प्रभाव होगा जीरो विंग के रेजिडेंस को अपग्रेड किए अभी कुछ ही समय हुआ था फिर भी इतने सारे संभ्रांत खिलाड़ी अपने पुराने गिल्ड को छोड़कर उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे अथर्व को यह नहीं पता था कि जीरो विंग के घर के बाहर एक लंबी लाइन लग चुकी है ये सभी खिलाड़ी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने गए थे काफी कुछ दूसरे शहरों के गिल्ड खिलाड़ी भी थे भीड़ ने जीरो विंग के सदस्यों के लिए निवास में प्रवेश करना और छोड़ना मुश्किल कर दिया इसके अलावा यह स्थिति व्हाइट सिटी से अलग नहीं थी स्टोन फॉरेस्ट टाउन में भी यही हो रहा था केवल व्हाइट सिटी के खिलाड़ियों के विपरीत स्टोन फॉरेस्ट टाउन में जीरो विंग में शामिल होने के लिए आवेदन करने वालों में से अधिकांश स्वतंत्र खिलाड़ी थे ये खिलाड़ी केवल जीरो विंग के लिए आवेदन नहीं कर रहे थे क्योंकि गिल्ड के पास अब तीन सितारा निवास था वे स्टोन फॉरेस्ट टाउन के व्यापक परिवर्तन से और भी अधिक प्रेरित थे शहर के अद्भुत मैना घनत्व के अलावा स्टोन फॉरेस्ट टाउन का हाल ही में प्रमुख पुनर्निर्माण हुआ था अब और अधिक व्यापारी एनपीसीज ने कस्बे का दौरा किया हाल ही में फिर से खुला बैटल एरिना भी था शहर बस बहुत ही आकर्षक था जब तक वे जीरो विंग में शामिल हुए एक साधारण सदस्य के रूप में भी वे आसानी से स्टोन फॉरेस्ट टाउन की यात्रा कर सकते थे उनके समतल स्थान अब स्टोनकलाफ पर्वत तक सीमित नहीं रहेंगे इसके अलावा युद्ध के मैदान में प्रवेश करते समय उनका प्रतीक्षा समय कम होगा रोमांच पसंद करने वाले और अपनी युद्ध तकनीकों में सुधार करने वाले खिलाड़ियों के लिए जीरो विंग का सदस्य बनना आदर्श था जब अथर्व एडवेंचरर्स एसोसिएशन में थे तब उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट टाउन के लिए एक नया विकल्प भी लागू किया था निजी घरों की बिक्री जब स्टोन फॉरेस्ट टाउन एक बुनियादी शहर था तो यह बहुत छोटा था जीरो विंग के पास अपने स्वयं के विकास के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त जगह थी बेशकीमती जमीन बेचने की तो बात ही छोड़ दें हालांकि चीजें बदल गई थीं इंटरमीडिएट टाउन में इसके प्रचार के बाद स्टोन फॉरेस्ट टाउन पहले की तुलना में कई गुना अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया कस्बे के विकास की अपनी योजना के तहत अथर्व ने निजी आवास बनाने के लिए कुछ जगह का उपयोग किया था वह इन निजी घरों का एक छोटा हिस्सा जनता को बेच देगा जबकि शेष गिल्ड सदस्यों के लिए आरक्षित होगा यह एक तरह का गिल्ड बेनिफिट था जब तक कोई एक संभ्रांत सदस्य बन जाता है वे अपना खुद का एक निजी घर खरीदने के योग्य हो जाते हैं केवल उन्हें गिल्ड कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ ऐसा करना होगा सौभाग्य से वे जनता को बेचे गए घरों की तुलना में कम कीमतों का आनंद लेंगे गॉड्स डोमेन के कई खिलाड़ियों ने एक निजी घर का मालिक बनने का सपना देखा था स्टोन फॉरेस्ट टाउन जैसे मैनाग ने वातावरण में रहने का उल्लेख नहीं किया स्टोन फॉरेस्ट टाउन के खिलाड़ियों के बीच निजी घर पहले से ही एक गर्म विषय बन गए थे जीरो विंग बहुत कंजूस है वे केवल जनता को सौ घर बेच रहे हैं इस शहर में बहुत सारे स्वतंत्र खिलाड़ी हैं यह हम सभी के लिए पर्याप्त कैसे माना जाता है मुझे नहीं पता कि चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त होने जा रहा है लेकिन मुझे क्या पता है कि जीरो विंग बहुत कपटपूर्ण है यहां तक कि सबसे सस्ते घर की कीमत भी 400 गोल्ड है यह कीमत लगभग एक मामूली एनपीसी शहर में बाहरी क्षेत्र की दुकान जितनी है यहां तक कि स्वतंत्र विशेषज्ञ भी भाग्यशाली हैं यदि उनके हाथ में एक स्वर्ण हैं कोई इतना महंगा घर कैसे खरीद सकता है मुझे सही पता है हालांकि हमारी साहसी टीम एक खरीदने के लिए हमारे फंड को पूल करने के लिए तैयार है इस तरह हमारे गेड़ के पास एक सभा स्थल होगा हमें अब अपना समय होटलों पर बर्बाद नहीं करना पड़ेगा आपकी टीम के पास एक शानदार समय होने वाला है जब तक आप दो सितारा साहसी बन जाते हैं तब तक आप एक निश्चित टेलीपोर्टेशन एरे खरीद सकते हैं और इसे घर में स्थापित कर सकते हैं आप सीधे अपने घर ट्रांसफर कर सकेंगे यह जीरो विंग में शामिल होने से बेहतर है हालांकि मैं शर्त लगा रहा हूं कि बड़े संघ इनमें से अधिकांश घरों को खरीदने जा रहे हैं यह संभव नहीं होना चाहिए जीरो विंग ने पहले ही कहा है कि अन्य संघों को घर खरीदने की अनुमति नहीं है इसके अलावा खरीदारों को जीरो विंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा यहां तक कि अगर विभिन्न बड़े संघों के लोग घर खरीदने की कोशिश करते हैं तो वे नहीं कर सकते जैसा कि अथर्व एक उन्नत गाड़ी में आराम कर रहा था गोदाम में कांस्य टैबलेट को स्टोर करने के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की ओर जा रहा था उसे एकवा रोज का फोन आया एकवा रोज ने खुशी से घोषणा की गिल्ड लीडर ट्वाइलाइट इको ने मुझे यह कहते हुए संपर्क किया कि उनके पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है मुझे मत बताओ गौरवशाली प्रतिध्वनि मुझे ढूंढ रही है कथर्व ने मुंह फेर लिया उनके पास ग्लोरियस एको का विशेष रूप से अच्छा प्रभाव नहीं था हालांकि वह बल्कि आभारी था क्योंकि यदि वह उसके लिए नहीं होता तो एकवा रोज जीरो विंग में शामिल नहीं होता नहीं दी एल्डर्स पहले ही ग्लोरियस एको को बर्खास्त कर चुके हैं मेरे एक चाचा अस्थायी रूप से गिल्ड का प्रबंधन कर रहे हैं एकवा रोज ने अपना सिर हिलाते हुए कहा तो ठीक है मुझे अभी भी कुछ मामले निपटाने हैं इसलिए उसे कुछ समय के लिए निवास में प्रतीक्षा करने दो